Good evening, friends. We kickstart with time value of money. It's very important concept for understanding this subject. Many people do not even bother to teach this particular chapter. It is crux. तो कल मैंने आपको क्या सिखाया था, एफएम सब्जेक्ट क्या है उसकी बात की थी मैंने आपसे. सो आई सेड दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजंस दैट वी टेक. फर्स्ट इज फाइनेंसिंग डिसीजन व्हिच इज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स. नंबर टू we talk about utilization of funds. Whatever funds we have procured, we will invest those funds in a business. And ek bar wo funds invest ke kabhi na kabhi to aapko profit ho jayega, to hum us profit ke distribution ki bhi baat karenge. So procurement of funds mein maine teen technical word use kiye the. Ek hai proportion. To bolo capital structure is equal to proportion. Capital structure is equal to proportion of what? Debt, equity, preference share, or proportion of funds. Then cost of capital was expectations of investors. Jo bhi investors ne paisa diya hai, they expect certain rate of return. And then leverage, which was about taking advantage of certain factor. I'll talk about leverage. जन्नत है, मतलब सारे घर सब्जेक्ट भी जन्नत है तुम अगर उसको सही तरीके से सीखोगे तो अलग लेवल पे जाओगे. Then utilization of funds which was capital budgeting and जहां पर हमें time value of money लगने वाला है. तो time value of money I said it is basically a reward for parting away with consumption of money. I have some money. I am parting away. ये पैसा मैं तुमको दे रहा हूं. तो जब ये पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूं तो मैं कुछ बदले में चाहूंगा तुमसे. So it's basically price of a money kind of expectations of investors, time value of money. So how do you get it? Very simple. Any investor, whenever he invests some money, he will expect at least a rate of return equal to risk free rate. Risk free rate kis pe milta hai re bachcho? Government securities pe ya government bonds pe risk free rate milta hai ki nahi milta hai? To tum at least kitna chahoge? Jitna government deta hai plus jo risk tum utha rahe ho wo risk ke badle mein kuch रिटर्न मिलना चाहिए ना. हायर द रिस्क हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न. आई डिड नॉट से हायर द एक्चुअल रिटर्न. इसने तो मुझे डाउट पूछा था कल. आई नेवर सेड दैट हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. यू बाय दैट लॉजिक एवरीवन विल टेक हायर रिस्क. रिटर्न ज्यादा कमाना है रिस्क ज्यादा लो हो तैयार नहीं सर. जरूरी नहीं ना. तुम सीए कोर्स कर रहे हो है ना, सीए कोर्स में रिस्क ज्यादा है इन कंपैरेटिव टर्म्स टू बीकॉम. कोई सुना आपने ये बच्चा देखो 10 साल से बीकॉम कर रहा है अभी तक नहीं हुआ. So, कभी आपने सुना है ये बंदा 10 साल सीए कर रहा है अभी तक सीए नहीं हुआ. क्या है वो रिस्क? तो कहां पर रिस्क है? सीए कोर्स के अंदर रिस्क है. रिटर्न ज्यादा है गारंटी नहीं है एक्सपेक्टेड है. तो वैसा ही मतलब बिजनेस के अंदर हायर द रिस्क देयर इज अ हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न. प्रॉब्लम ये है कि ये रिस्क और रिटर्न को क्वांटिफाई कैसे करोगे.
तुम्हारा वेट कितना है, तुम वेइंग स्केल पे खड़े हो गए, तुमको वेट कितना है समझ में आता है आसानी से, मेजर कर सकते हो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हो, तुम्हारा शुगर कितना है मेजर कर सकते हो, बट धंधे में रिस्क कितना है मेजर कैसे करोगे, आसान नहीं है। देयर हैज टू बी प्रॉपर सेट ऑफ टेक्निक फॉर व्हाट, मेजरमेंट ऑफ रिस्क। तो हम रिस्क मेजरमेंट की भी बात करेंगे आगे जाके, और उस रिस्क के लिए कुछ कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। द कॉम्पेंसेशन फॉर रिस्क इज नोन एज वॉट, रिस्क प्रीमियम। कॉम्पेंसेशन फॉर दैट रिस्क इज वॉट, रिस्क प्रीमियम। सो ये कहां से लिया था लाइन मैंने, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू, ये बेसिक थियरम जो है ये विलियम शार्प करके बंदा है, उसने ये बेसिक थियरम प्रपोज किया हुआ है बेसिक से। अब हमें इसके एप्लीकेशंस लर्न करने हैं, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस, और ये फाउंडेशन के फॉर्मूलाज है, मैं सिर्फ एप्लीकेशंस अलग से बताऊंगा, ये काम में बहुत आने वाला है। कुछ एप्लीकेशंस अभी बोलूंगा, कुछ एप्लीकेशंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेरियस चैप्टर्स आई विल डिस्कस, अलग अलग चैप्टर जब आएंगे तब। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलो इज इक्वल टू व्हाट, आर एफ प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रेट के कितने बच्चे होते हैं, दो। पहला बच्चे का नाम क्या है, इन्फ्लेशन रेट, हाँ ना। यू विल एटलीस्ट एक्सपेक्ट अ रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू व्हाट, इन्फ्लेशन। बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो रिटर्न मिलता है उसमें से अगर इन्फ्लेशन माइनस करोगे तो क्या आएगा, रियल रेट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे अगर 7% मिल रहा है और इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमी में 5% है, 2% रियल रेट है। बैंक एफडी में जो लोग पैसा लगाते हैं या एलआईसी के पॉलिसीज में जो लोग पैसा लगाते हैं ना, दे डू नॉट अर्न एनी रियल, दे अर्न इफेक्टिवली विच इज नॉट यूजफुल। क्यों, एफडीज, मेजोरिटी ऑफ एफडीज राइट नाउ आर गिविंग 6-7%। चलो आप थोड़ा रिस्क लेके थोड़े से बैंक, जिस बैंक में पुअर क्रेडिट रेटिंग है उधर पैसे लगाओगे तो थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। बट वो एफडी जो है उसके ऊपर आपको टैक्स भी भरना पड़ता है, एफडी का जो इंटरेस्ट आप कमाओगे। अब टैक्स, एफडी से जो पैसा मिलेगा उसमें से आप टैक्स माइनस करो, उसमें से इन्फ्लेशन माइनस करके बाद में बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा तुमको, तुमको बहुत कम रिटर्न मिलता है। ये लोगों को समझता ही नहीं है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया सेविंग्स आर इन दीज इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज कंट्री इज अ फाइनेंशियली इलिटरेट इन जनरल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स। है क्योंकि इन लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट ही नहीं समझा है कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं आई नीड टू बीट इन्फ्लेशन फर्स्ट। अगर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन 5-6% रहने वाला है, और 5-6% ये ओवरऑल कमोडिटीज का इन्फ्लेशन है, जो लाइफस्टाइल आप जी रहे हो उस लाइफस्टाइल का इन्फ्लेशन क्या है, वो लाइफस्टाइल अगर आपको मेंटेन करना है, चलो इन्फ्लेशन जो है उसका 8% है। यू नीड टू इन्वेस्ट इन द रिसोर्सेस वेयर योर वेल्थ ग्रोज एट अ रेट हायर देन 8%। वो बेसिक चीज है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तुमको ये बोलेगा, समझा। तो राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू मेजर दिस रिस्क प्रीमियम, वंस वी गो इन टू रिस्पेक्टिव चैप्टर वी विल मेजर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर है, बट जस्ट अभी एक बोल रहा हूं, रिस्क प्रीमियम विल वेरी फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। मैं जब टाटा मोटर्स में पैसा लगाऊंगा, ऋषभ सर जब टाटा मोटर्स में पैसा लगाएंगे और विजय सर जब टाटा मोटर में पैसा लगाएंगे, एक्सपेक्टेशन सबका सेम नहीं रहेगा, पूरे पर्सन टू पर्सन वेरी होता है ना, चाहत हर एक की थोड़ी सेम रहेगी, है ना। हर एक को जो रिस्क परस्यूड लगता है वो अलग रहेगा। आई माइट फाइंड कंपनी टू बी लेस रिस्की, समवन एल्स माइट फाइंड मोर रिस्की, इट्स ओके। सो रिस्क प्रीमियम चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट्स अ सब्जेक्टिव वन। Then we are going to learn some model which is universally accepted. That is number one point. Number two, जो risk premium है, it changes from investment to investment, even for the same investor. अब मैं ही investor हूं, मैं जब टाटा मोटर्स में पैसा लगाने जाऊंगा तब मेरा जो expected risk premium रहेगा, और जब मैं इंफोसिस में पैसा लगाने जाऊंगा वो अलग रह सकता है। आई मे से, अरे यार इन्फोसिस का बिजनेस है, उसको रेगुलर कैश फ्लो मतलब री इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बिजनेस इटसेल्फ जनरेट्स ह्यूज कैश फ्लोज। बट टाटा मोटर्स का बिजनेस ऐसा है, इसको बहुत सारे कैपिटल की जरूरत है, तो इसको बार बार लोगों से जाके पैसा लेना पड़ेगा या डेट रेस करना पड़ेगा।
कैन इट हैपन? यस, बट लॉजिकली, समझा ना? तो पॉइंट ये है कि रिस्क प्रीमियम कांस्टेंट नहीं रहता, रिस्क प्रीमियम कीप्स ऑन चेंजिंग. रिस्क प्रीमियम विच वॉज देयर 5 years अगो, रिस्क प्रीमियम विच इज देयर टूडे चेंजेस. तो रिस्क प्रीमियम चेंजेस फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, इट चेंजेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो यू हैव टू बी डायनामिक, और उसके हिसाब से आपके एक्सपेक्टेशंस चेंज होंगे. इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन चेंज हो गए तो क्या बोला मैंने कल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्या था बच्चों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्वेस्टर्स. मैं कौन हूं, कंपनी, मैंने इन्वेस्टर्स से पैसा उठाया है, ना पैसा रेज किया, डेट के फॉर्म में रेज किया हो सकता है, इक्विटी के फॉर्म में रेज किया हो सकता है, हाइब्रिड फॉर्म में रेज किया हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स. वो पैसा मैंने रेज किया और मैंने पैसा मेरे धंधे में लगाया. अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो चेंज होता है, सेम. तो मेरे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो बिजनेस से आने चाहिए वो भी क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए. कैसे करेंगे हम? राइट नाउ आई विल टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो आपको साइमल्टेनियसली लिखना है बच्चों, कैलकुलेटर लाया होगा ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं, दिमाग भी लेके आए होगे ऐसा अज्यूम कर रहा हूं. सो एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवीएम. बेसिक बेसिक एप्लीकेशन है, फाउंडेशन के फॉर्मूलाज है. इंटर में स्पेसिफिकली चैप्टर नहीं है, लेकिन हर चीज का स्पेसिफिक, जैसे आपको कोई बीमारी है, बहुत सारी बीमारियों का जड़ जो होता है वो अलग तरीके से ठीक किया जा सकता है. इसका स्पेसिफिक दवाई नहीं होता है, ये दवाई से ये बीमारी ठीक हो जाए ऐसे नहीं होता है. तो वैसा ही है, सुन लेना. टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फर्स्ट एप्लीकेशन इज ऑन फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो. क्या बोला, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो. सिंगल कैश फ्लो मतलब, अब हम बात करने वाले सिंगल कैश फ्लो की पहले, फिर हम एन्युइटी की बात करेंगे. मैं साइमल्टेनियसली एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज भी आपको सिखाऊंगा. आपके फोन में एक्सेल रहेगा तो यूज कर सकता है, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं, घर पे जाके यूज कर सकते हैं. बाजू वाले फोन में देखो या नहीं, कुछ भी करना है सो सकते हो, कुछ नहीं कर सकता मैं. तो वी हैव स्लीपिंग ब्रेक्स ऑल्सो. वॉट, पावर नैप्स. ओके, वी हैव पावर नैप्स instead of songs. So, future value of single cash flow. देखो, ये है timeline. I give you cash flows at two different points of time. This is today. Today is denoted by zero. This is year one or period one. This is period two. This is period three. This is period four. Period can be a year. Period can be a quarter. Period can be anything. ठीक है, अब earlier time period से later time period को लेके जाने को हम maths में compounding बोलते हैं. तो 0 to 3 जाना है तुमको, या 2 to 4 जाना है, या 1 to 3 जाना है. Kangaroo jump is a compounding. So we have analogy. Kangaroo is equal to compounding. Earlier time period to a later time period is known as what? Compounding. Earlier period to later period. ठीक है, later period को हम बोलते हैं future value. आज का cash flow को हम बोलेंगे single cash flow. आज से हम future में जा रहे हैं, समझे क्या? अब ये बेसिक फॉर्मूला जो है वो ऐसा है, जो पॉपुलर वर्जन दे रहा हूं मैं आपको इसने मैथ्स. ओके, मैं लेट मी टेल यू मैथ्स का वर्जन दैट यू वुड हैव डन इन फाउंडेशन. फाउंडेशन में आपने फ्यूचर वैल्यू को ए बोला होगा,
आज के वैल्यू को आपने पी बोला होगा, इंटू वन प्लस आर रेस टू एन, ऐसा आपने किया होगा। ए को जो लैटर पीरियड की वैल्यू है, मैं उसको सिर्फ बोल रहा हूं एफ वी। आज की वैल्यू को मैं बोल रहा हूं पी वी, है ना, इंटू वन प्लस आर रेस टू एन, है ना, वन प्लस आर रेस टू एन। समझा सबको? बहुत बढ़िया, यह है बेसिक फॉर्मूला। अब मैं इसको मॉडिफाई करता हूं थोड़ा सा। एफ वी क्या है रे? फ्यूचर वैल्यू एट वॉट? एट एंड ऑफ एंथ पीरियड। दिस इज अ फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ एंथ पीरियड, बिकॉज रेस टू एन किया है मैंने, तो हम यहां पर एफ वी एन भी लिखते हैं। फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ एंथ पीरियड। पीरियड कैन बी क्वार्टर, पीरियड कैन बी मंथ, पीरियड कैन बी वॉट एवर। एन आर इज वॉट? रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इन अ सिंपल लैंग्वेज इट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलना कॉन्सेप्चुअली गलत है, क्यों? हर बार डिबेंचर से डेट ही नहीं रहेगा, इक्विटी भी रह सकता है ना। इट कैन बी एनी कैश फ्लो यार। सो इट इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रेट। सिंपल लैंग्वेज, आर इज इक्वल टू रेट। पीवी इज अमाउंट एज ऑन टूडे। सिंस इट इज टूडे वी राइट एट जीरो। वॉट आई वॉन्ट यू पीपल टू नोट फर्स्ट इज कि आगे जाके बहुत चीजें काम में आने वाली है। मैं पहले ही बोल रहा हूं, तुमको मालूम नहीं है, लोग इसको सिखाते भी नहीं है चैप्टर को। तो टाइम बचता है, फिर टाइम पास करने को टाइम मिलता है। क्या ऑब्जर्व किया तुमने? ऑब्जर्व ऑब्जर्व, इन दोनों का डिफरेंस पावर है एन और जीरो। उसका डिफरेंस इज अ पावर ऑन राइट हैंड साइड। एन माइनस जीरो इज अ पावर। हम बोलेंगे मतलब अगर इस फॉर्मूला का मैं थोड़ा जेनेरिक वर्जन लिखूं, जेनेरिक वर्ड समझता है क्या? थोड़ा जनरलाइज्ड वर्जन लिखू इसी फॉर्मूला का, तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, सी एफ कैश फ्लो एट द एंड ऑफ एंथ पीरियड इज इक्वल टू, ओके, कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फिफ्थ पीरियड। एन के जगह पे मैं लिख रहा हूं सी एफ आई, कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फिफ्थ पीरियड। हर बार जरूरी नहीं है कि कैश फ्लो एज ऑन टुडे दिया रहेगा। आई कैन गिव यू कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर एंड आस्क यू टू कंपाउंड इट टू फिफ्थ ईयर एंड। या आगे जाके हमें मॉडिफाइड आईआरआर जब हम निकालेंगे ना आगे जाके, तब लगने वाला है। क्या बोला मैंने? एक्सप्लेन करूंगा, खतरनाक कॉन्सेप्ट है। आर एस टू थ्री आएगा, समझा क्या? थ्री, पांच और दो का डिफरेंस कितना है रे? तीन है, पांच और दो का डिफरेंस। वो पावर करके आ गया ना राइट हैंड साइड के। तो ये जो है एन और ये जो है जीरो, उसका डिफरेंस यहां पर पावर करके दिखेगा, फाइव माइनस टू रेस टू थ्री इज इक्वल टू रेस टू थ्री। तो ये जनरलाइज वर्जन आ गया। तो ये फॉर्मूला क्या अलाउ करता है तुमको? ये फॉर्मूला तुमको कंपाउंडिंग अलाउ करता है। फ्रॉम एनी कैश फ्लो यू कैन गो टू अ कैश फ्लो एट अ लैटर डेट। सेकेंड ईयर से आप फिफ्थ ईयर पे जा सकते हो। अब कॉमन सेंस लगाओ ना, अगर सेकेंड ईयर से फिफ्थ ईयर तो जा सकते हो, तो फिफ्थ ईयर से सेकेंड ईयर पे भी आ सकते हो। इसी फॉर्मूला को जब मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा, तो हम बोलेंगे डिस्काउंटिंग अर्लियर डेट टू लैटर डेट, कंपाउंडिंग लैटर डेट टू प्रीवियस डेट, डिस्काउंटिंग। कंगारू के अपोजिट क्या होता है? एनी एनिमल विच जम्प्स बैकवर्ड, वॉट? क्या बोला? हाँ, रिवर्स कांगारू। समझा तुमको ये? अब देखो, लिसन टू दिस। ये हो गया तुम्हारा बेसिक। अब इसमें और एक चीज समझनी है। ये समझा तुमको पावर क्या होता है? समझा ना रे? ये जो
ये जो आर है और ये जो एन है, ये एक दूसरे से मैच होने चाहिए। हस्बैंड एंड वाइफ शुड मैच विथ ईच अदर, एल्स बिल गेट्स विल हैपन। आर एंड एन शुड मैच विथ ईच अदर, एल्स आंसर विल बी रॉन्ग। आप बोलेंगे मतलब अगर आर मैंने एन्युअल रेट लिया और एन मैंने नंबर ऑफ क्वार्टर्स लिए, तो तुम क्वार्टर लेके सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को। सो वी हैव थर्ड क्लास, आर एंड एन शुड करेस्पॉन्ड टू ईच अदर। सो इफ आर इज क्वार्टरली रेट, एन शुड बी नंबर ऑफ क्वार्टर्स, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। ये जो है ये, ओ बाय द वे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। दिस इज इन दिस फॉर्मूला इम्प्लिसिटली इम्प्लाइडली कंपाउंडिंग इज टेकिंग प्लेस। इस फॉर्मूला में क्या हो रहा है, इम्प्लाइडली कंपाउंडिंग हो रहा है। योर मनी इज बीइंग कंपाउंडेड एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड। पीरियड कैन बी क्वार्टर, पीरियड कैन बी ईयर, मंथ, इट कैन बी अ नैनो सेकेंड ऑल्सो। आप बोलेंगे नैनो सेकेंड, हाँ। वो जो कल मैंने एडवांस अकाउंट के लेक्चर में मैंने तुमको एक ब्लैक स्कोल्स का फाइल दिया था ना, उसमें वो नैनो सेकेंड कंपाउंडिंग होता है, उसको ही बोलते हैं CCRI, कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सीए कोर्स से दूर है, उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। ये अपना नॉर्मल वाला फॉर्मूला है, हम टंट लोग हैं, अभी थोड़ा बेसिक फॉर्मूला करेंगे। देर इज अ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग दैट हैपेंस, कंटिन्यूअस एवरी नैनो सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टैंड नैनो सेकेंड। सीसी आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा लॉगरिदम फंक्शंस लगता है, रिलेवेंट नहीं है तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। आर एंड एन शुड मैच विथ इच अदर। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला को देखो, मॉडिफाई कर रहा हूं। एफ वी एट द एंड ऑफ एन पीरियड्स इज इक्वल टू पी वी एज ऑन टुडे। टुडे है इसलिए जीरो। इफ इट इज नॉट टुडे, इट विल बी वैल्यू। इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट वैल्यू वी विल से वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इनटू 1 प्लस आर। आर इज एन्युअल रेट, लेकिन अगर तुम्हारा कंपाउंडिंग मंथली हो रहा है तो मैं एन्युअल रेट को डिवाइड बाय 12 करूंगा, डिवाइडेड बाय एम। एम इज नंबर ऑफ टाइम्स यू डू कंपाउंडिंग इन वन ईयर, रेज टू एन विच इज नंबर ऑफ ईयर्स इन टू एम। तो अगर मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है तो आर अपॉन एम, आर विल बी एन्युअल रेट, एम विल बी 12। तो आर अपॉन एम क्या आएगा बच्चों, मंथली कंपाउंडिंग रेट। अरे मंथली रेट आया कि नहीं, तो एन इंटू एम क्या होगा, नंबर ऑफ मंथ्स। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली है तो पीरियड भी नंबर ऑफ मंथ्स लो ना। अभी अभी क्या बोला, हस्बैंड एंड वाइफ शुड मैच विथ, तो व्हाट इज एम, एम इज नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन इन व्हाट, वन ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन इन वन ईयर। व्हाट इज आर, आर इज योर एन्युअल रेट। डू यू अग्री विथ मी, आर इज एन्युअल रेट, एम इज द नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग इज डन। तो आर अपॉन एम एंड एन इन टू एम, ये दोनों एक दूसरे से मैच हो जाएंगे। आर अपॉन एम इज अ इंटरेस्ट फॉर दैट पीरियड, इंटरेस्ट पर पीरियड, एंड एन इन टू एम इज वॉट, नंबर ऑफ पीरियड्स। आई होप यू अंडरस्टूड, ये है बेसिक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में ये जो अमाउंट है ना,
जनरलाइज वर्जन क्या होता है, पीवी इंटू वन प्लस आर रेज टू एन, अज्यूमिंग इट इज एन्युअल कंपाउंडिंग. यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट क्वार्टरली कंपाउंडिंग इंटू एन्युअल और एन्युअल इंटू क्वार्टरली. देर इज अ फॉर्मुला, आई विल एक्सप्लेन दैट फॉर्मुला. 99% चांसेस यू लर्न दैट फॉर्मुला इन करेक्टली इन सीए फाउंडेशन. 99% चांस. बहुत कम लोगों को ये कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करना समझता है. प्लीज बी केयरफुल. पहले मुझे बेसिक्स एक्सप्लेन करने दो, फिर मैं कंपाउंडिंग का फ्रीक्वेंसी चेंज करके दिखाऊंगा. और इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, आगे जाके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में आएंगे, तुमको मालूम नहीं है. मैं सिर्फ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करूंगा, तब मैं तुमको बोलूंगा चैप्टर देखो उधर एक्सप्लेन किया था. तो मैं सिर्फ एक चेंज कर रहा हूं तुम्हारे बैच से, इधर ही मैं बोलूंगा ये कहां कहां आने वाला है. ये आर को हम बोलते हैं, ये बोलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बाद में बोलूंगा मैं, अभी तक ये लेक्चर यूट्यूब पे. मतलब वो तो मेरे को कंसेप्ट पसंद है, कल से यूट्यूब पब्लिक शायद मैं कल से बंद कर देगा, देयर इज अ गुड चांस. सो सीएजर, हाँ मतलब अपने अपने टेक्निक्स पब्लिक को कैसे पता चलने चाहिए, मतलब वैसे कॉपी भी नहीं कर पाएंगे. एक्चुअल लॉजिक लगता है ना, मतलब जिंदगी में अपने कभी भी किसी से कॉपी नहीं करना चाहिए. यू शुड बोरो नॉलेज इज ऑफ नो यूज. सीएजीआर, इसको क्या बोलते हैं, आर को सीएजीआर कंपाउंडेड एन्युअल ग्रोथ रेट, एवरेज भी बोलते हैं, कंपाउंडेड एन्युअल एवरेज ग्रोथ रेट. दिस इज अ रेट एट विच पीवी हैज बिकम एफवी. क्या बोला मैंने, रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू हैज बिकम व्हाट, फ्यूचर वैल्यू, इन हाउ मेनी पीरियड्स, एन पीरियड्स. आर को क्या बोला मैंने, CAGR, है ना. FV इज इक्वल टू PV इंटू PV इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन. वही चीज वापस लिखा क्यों, ये वाला जो पार्ट रहता है इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग फैक्टर. कैलकुलेटर पे कैसे आता है सबको मालूम है, 1 प्लस आर 1.10 रेज टू एन. तुमको जब करना है तो क्या करना है, इंटू इक्वल टू. व्हेन यू डू इंटू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, स्क्वेयर आता है. इंटू इक्वल टू करने से स्क्वेयर आता है. फॉर्मूला कैलकुलेटर पे तुमको स्क्वेयर मिलता है, फिर क्यूब मिलेगा, फिर फोर्थ पावर एंड सो ऑन. समझा गए, ये कंपाउंडिंग फैक्टर बोलता क्या है तुमको, वैल्यू ऑफ 1 रुपी एज ऑन टूडे, वैल्यू ऑफ 1 रुपीज एट अ लेटर डेट. आज का 1 रुपया फ्यूचर में जाके कितना होगा, आज का 1 रुपया फ्यूचर में जाके कितना होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग फैक्टर. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कंपाउंडिंग फैक्टर विथ आर इक्वल टू 12%, एन इक्वल टू 6, ऐसे लिखते हैं, कितना है कैलकुलेट करेंगे. इसका मतलब क्या है, आज मैंने 1 रुपया लगाया तो 6 साल बाद कितना होगा, प्रोवाइडेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पा. पा रिस्पॉन्स चाहिए है? चलो कैलकुलेट करो पब्लिक जल्दी. वन पॉइंट नाइन सेवन थ्री एट, 1.9738 क्या ये कंपाउंडिंग फैक्टर. अब कैसे आया ये, जिनको समझा नहीं है, 1.12 लेने का, 12% मतलब 0.12 है, 1.12 रेस टू 6 इंटू इक्वल टू करने का, इंटू इक्वल टू किया तो स्क्वायर आ गया, और एक बार इक्वल टू किया तो क्यूब, इक्वल टू किया 4, 5, 6, 1.9 से मतलब आज का 1 रुपया फ्यूचर में जाके कितना बनेगा, 1.97 इफ रेट ऑफ रिटर्न इज 12% पर एनम, है ना. ये फॉर्मूला किसको हेल्प करता है, आपको आज की वैल्यू की फ्यूचर में, आज की अमाउंट का फ्यूचर में. यार इंग्लिश चाहिए यार, हिंदी स्टफ. What will be the value at a later date of 1 rupee as on today? Clear? Yes. Thank you.
Now, in this formula, sometimes, see, there are how many inputs? 1, 2, 3, 4. Out of 4, if 3 are known to you, fourth one you can easily find. Samjha na? If 3 are known, fourth one can be found very easily with the help of a calculator or Excel sheet or whatever you wanna do. कुछ भी कर लो आप, कैसे भी करके आप इसको ढूंढ सकते हो. बट दिमाग में याद क्या रखना है, ये जो आर है रेट और एन जो है पीरियड्स, दोनों एक दूसरे से मैच होने चाहिए. फिर मैं आपको एन्युअल से क्वार्टरली, कंपाउंडिंग क्वार्टरली से एन्युअल सब कुछ सिखाता हूं. ये आगे जाके हमें लगने वाला है एक्स वाई जेड चैप्टर्स के अंदर, उन फॉर्मूलाज का लॉजिक है उधर, समझाइए. अब देखो, मैं आपको लेके आ रहा हूं स्क्रीनर पे, कुछ बेसिक क्वेश्चन देता हूं. लेट्स से आई कम डाउन टू स्क्रीनर एंड आई से, लेट्स से आई वांट टू एनालाइज अ कंपनी, अवेन्यू सुपरमार्ट्स. अवेन्यू सुपरमार्ट को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूं. अवेन्यू सुपरमार्ट 2012 से 2022 का सेल्स है ना? कैन यू सी दिस ऑन योर स्क्रीन? 2012 टू 2022 क्या है? सेल्स ऑफ होम? अवेन्यू सुपरमार्ट. हाउ मच वाज़ द सेल्स बैक देन? 2209. नेक्स्ट ईयर 3341. नेक्स्ट ईयर 4686 क्रोर्स. हाँ, 6439 85. हर साल क्या हो रहा है? सेल्स ग्रो ही हो रहा है. यहां पर सिर्फ मार्च 21 में थोड़ा कम हुआ था कोविड की वजह से, ठीक है, मार्च 22 में इतना हुआ, समझा? मार्च 2012 से लेके मार्च 2022 तक लिखिए क्वेश्चन नोटबुक में. यूजिंग डेटा ऑन स्क्रीनर डॉट इन, ये हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते हैं जो लोग सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे. यूजिंग डेटा अवेलेबल ऑन स्क्रीनर डॉट इन फॉर अवेन्यू सुपरमार्ट्स फ्रॉम FY12, FY इज फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम FY12 टू FY22 कंप्यूट CAGR ऑफ, कंप्यूट CAGR ऑफ सेल्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट. आपके फोन पे आप ओपन कर सकते हो अगर आपको दिख नहीं रहा है तो. दिख रहा है तो यहां से देख लेना. ये जो ब्लैक कलर में बोल्ड फिगर है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और फर्स्ट लाइन जो है वो सेल्स है. फर्स्ट लाइन सेल्स है, थर्ड लाइन क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. ये 2000 इधर से, ये सेल्स है, ये प्रॉफिट है, ये सेल्स है, ये प्रॉफिट है. लगाओ दिमाग लगाओ, गलत गए मुझे बिल्कुल चलेगा. ऑन द कंट्री आई वॉन्ट यू पीपल टू मेक मिस्टेक, लाइफ टाइम याद रखोगे. आज लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करो यार. मुझे चाहिए कंपाउंडेड एन्युअल एवरेज ग्रोथ रेट, एवरेज ग्रोथ रेट. तुम यूज कर सकते हो दिमाग, कैलकुलेटर. सेल्स का फिगर अलग चाहिए मुझे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग चाहिए. फर्स्ट रो जो है वो सेल्स का है, थर्ड रो किसका है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का थर्ड रो है जो बोल्ड में लिखा है. अप्लाई करना दिमाग को, गलत गए तो बिंदास चलेगा. सही आंसर नहीं चाहिए रादर मुझे.
सेल्स का सीएजीआर निकालो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सीएजीआर निकालो। मुश्किल जा रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करो, सिर्फ दिमाग में एटलीस्ट सोचो, गिव अप मत करना, ऐसे ही तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा। मुझे तुम्हारे लेवल पे नहीं आना है, तुम्हें मुझे मेरे लेवल पे लेके आना है। सेल्स का है 30.23, प्रॉफिट का है 33.62। कुछ बच्चे तो कर पा रहे हैं, फाउंडेशन में नहीं, मैंने वो एक्स्ट्रा लेक्चर्स दिए थे उसमें सिखाया था, तो कितने लोगों को याद है? इट्स ओके okay. नहीं आ रहा है तो इट्स ओके okay. बेसिक होता है सीएजीआर कैलकुलेशंस। गुड, वो चक्कर पा रहे। वही फॉर्मूला वही है जो तुमने सीखा है। आई डोंट नो करेक्ट आंसर। सुन लेना, ऑब्जर्व, देखो ऑब्जर्व केयरफुली, यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट सेल्स सीएजीआर। देखो आप बोलोगे सर मतलब हर साल का ग्रोथ रेट निकालने का क्या, और फिर उसको टोटल लेके डिवाइड बाय 10 करने का क्या? नहीं रे गधे, मुझे सिंपल एवरेज नहीं चाहिए, मुझे कंपाउंडेड एवरेज चाहिए। इससे मैं तुमको मतलब चलो नहीं करना चाहिए, यहां से ईयर बाय ईयर आप ग्रोथ रेट ढूंढ के, मैं आपको एक एंड में बोलेगा जिसको खतरनाक चीज में इंटरेस्ट है, तो बोलता हूं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ क्रेजी थिंग। नहीं ट्राई किया तो भी चलेगा, अभी जो मैं बोल रहा हूं उतना ठीक है। देखो ये जो 2209 का सेल्स था ना, 2209 बिकेम हाउ मच? 30976। शांति से सुनना, कोई आवाज हल्ला गुल्ला की जरूरत नहीं है। 2209 30,000 हो गया इन हाउ मेनी इयर्स? 10 इयर्स, द गैप इज 10 इयर्स, यू कैन काउंट इट, व्हाई डू यू नीड टू काउंट? 12 से 22 10, बट तभी भी कर सकते हो। अब ईयर बाय ईयर ग्रोथ जो है वो हर साल अलग रहेगा यार, ईयर बाय ईयर ग्रोथ हर साल अलग रहेगा, है ना? कुछ साल में 10% हो सकता है, कुछ 20 रह सकता है, कुछ 50 रह सकता है, कुछ कुछ भी रहेगा। मुझे ईयर बाय ईयर ग्रोथ नहीं चाहिए, मुझे कंपाउंडेड एन्युअल एवरेज ग्रोथ रेट चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या बोला मैंने बच्चों, ए इज इक्वल टू, बोलो, ए इज इक्वल टू, हाँ ना, पी इंटू 1 प्लस वॉट आर, पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर रेज टू वॉट एन।
पी इज इक्वल टू 1 + r raised to n, मतलब 2209 हैज बिकम 30,976. 2209 हैज बिकम हाउ मच? 30,976. ब्लडी इन हाउ मेनी इयर्स? एज सिंपल एज दैट. यू जस्ट नीड टू फाइंड व्हाट आर. दिस इज योर एन्युअल ग्रोथ रेट कंपाउंडेड एन्युअली. दिस इज योर कंपाउंडेड एन्युअल ग्रोथ रेट. हाँ ना, बोलो आंसर. थर्टी पॉइंट टू थ्री परसेंट पर एनम. और बोलेगा सर कैलकुलेट कैसे करना है, जिनको अभी भी मालूम नहीं है. 30,976 डिवाइडेड बाय 2209 रेज टू 1/10 इज इक्वल टू 1 + r. रेज टू 1/10 मतलब टेंथ रूट होता है. यू कैन कैलकुलेट अ टेंथ रूट ऑन यूर कैलकुलेटर. नैनो बुक में मैंने स्टेप्स भी देके रखे हैं. तो क्या करोगे आप, दिस फिगर अपॉन दिस फिगर, दिस अपॉन दिस, स्क्वेयर रूट बटन 12 टाइम्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 1 एंड देन इनटू इक्वल टू. ऐसा करके आपको इस चीज का आंसर आएगा. उसमें से 1 माइनस करना है. 1 माइनस करके आ गया तुम्हारा आर. कितना है आर? 30.23%. मतलब डीमार्ट के जो सेल्स है वो हर साल, अवेन्यू सुपरमार्ट कंपनी है वो डीमार्ट चलाती है स्टोर, समझा ना, वो हर साल सेल्स कितने से ग्रो हुआ है? 30.23% से ग्रो हुआ है बच्चों. ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कैसे ग्रो हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 138 से लेके वो ग्रो हुआ है 2502 तक. फ्रॉम 138 इट हैज ग्रोन टू 2502 इन हाउ मेनी इयर्स? 10 इयर्स. फ्रॉम 138 वी हैव ग्रोन टू 2502. डू यू अंडरस्टैंड 2502 इन हाउ मेनी इयर्स? 10 इयर्स. समझा गया रे? तो आर यहां पर वैसा ही आता, 33.62% पर एनम. डीमार्ट हैज ग्रोन इट्स प्रॉफिट एट 33.62%. अबे साला ऐसा कैसे हुआ? सेल्स ग्रो हो गया 30% से लेकिन प्रॉफिट ग्रो हो गया 33% से. इसी कॉन्सेप्ट को जेन्युइन तरीके से बोलते हैं लिवरेज. बट मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक लर्न्स लिवरेज लाइक अ थर्ड क्लास इडियट्स. दे डू नॉट नो द ट्रू कॉन्सेप्ट. ये हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट. एक्चुअल डेटा है, योर सेल्स हैव ग्रोन बाय एक्स बट योर प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय समथिंग मोर देन एक्स. ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं होता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट. क्यों? मार्जिनल कॉस्टिंग का जो चैप्टर था उसमें तुमने देखा होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. और रियल लाइफ में सारा का सारा कॉस्ट ऐसा वेरिएबल नहीं होता है. देयर आर लॉट ऑफ कॉस्ट विच आर सेमी वेरिएबल. यू बाइफर्केट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट नॉट यूजिंग व्हाट यू लर्न इन द सीए फाउंडेशन इंटर ग्रुप वन. हाई लो पॉइंट्स मेथड करके एक सीखा होगा. दैट इज मतलब वेरी वेरी बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. और जाने दो, आपने इसको क्या बोला था? कॉन्ट्रीब्यूशन बोला था, राइट? दैट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन जनरेटेड बाय सेल्स टुवर्ड्स व्हाट? फिक्स कॉस्ट. लेस बच्चों, इसलिए हम जो बोलते हैं उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ये मैंने आपको कॉस्टिंग में ही सिखाया था, है ना? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज. ये जो इंपैक्ट है ना इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज. इसके नीचे भी और एक लिवरेज रहता है, वो बाद में बोलूंगा कभी. फाइनेंशियल लिवरेज रहता है, ये आगे आपके सिलेबस में है, इंटर के एफएम में ही है. ऑपरेटिंग लिवरेज क्या हो रहा है? मुझे फायदा मिल रहा है किस चीज का? फिक्स कॉस्ट का. मेरा सेल्स ग्रो हो गया बट माय फिक्स कॉस्ट डिडंट ग्रो इन द सेम प्रोपोर्शन. ओ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये सीए कोर्स
बहुत रहा, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स, ईयर वन फिक्स कॉस्ट इतना लिया, ईयर टू उतना ही फिक्स कॉस्ट लेते हैं। आई हैव सीन टीचर्स ऑल्सो डूइंग दिस, याद होगा तो मैंने कॉस्टिंग में ही आपको बोला था, फिक्स कॉस्ट फिक्स नहीं रहता है, फिक्स कॉस्ट चेंज होता है ईयर ऑन ईयर। बट कुछ नहीं, अपने सिलेबस में हम टंट लोग, फिक्स कॉस्ट फर्स्ट ईयर का इतना, दूसरे साल का उतना, तीसरे साल का इतना, रे गधे प्राइस चेंज होता है रे, इन्फ्लेशन रहता है। एम्प्लॉय को तू अगर फिक्स सैलरी दे रहा था पहले 15,000 पर मंथ, अभी भी 15,000 पर मंथ देगा ना 10 साल के बाद? नहीं ना। तो फिक्स कॉस्ट में भी क्या होता है, प्राइस लेवल चेंज रहता है, याद रखो। क्या लेवल चेंज होता है? प्राइस लेवल। तो वो जो ऑपरेटिंग लिवरेज जिस फॉर्म में हम सिलेबस में करने वाले हैं ना, वो बहुत बेसिक वाला फॉर्म है। ये कॉन्सेप्ट, ट्रू कॉन्सेप्ट यहां से समझा तुमको लिवरेज में, और इसके ऊपर बात करूंगा मैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से लिंक करूंगा, ब्रेक इवन पॉइंट से लिंक करूंगा, बहुत सारी चीजें करेंगे हम लिवरेज चैप्टर जब शुरू करेंगे, इसके बाद आएगा। तो तुमको समझा क्या, मैंने जब सीएजीआर निकाला तो मुझे समझ में आया माय प्रॉफिट्स हैव ग्रोन एट अ हायर रेट देन द सेल्स, दैट्स बेसिकली आई एम गेटिंग एडवांटेज ऑफ फिक्स कॉस्ट। ऐसा है, अगर धंधे में नहीं हो रहा है इन अ लॉन्ग रन, यू शुड नेवर एवर पुट अ मनी इन दैट बिजनेस। इफ प्रॉफिट्स आर नॉट ग्रोइंग एट अ रेट फास्टर देन द सेल्स, देयर इज नो पॉइंट इन पुटिंग मनी इन बिजनेस इन अ लॉन्ग रन। आई एम नॉट सेइंग शॉर्ट रन। हाँ, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत रेगुलर बेसिस पे देखे री इन्वेंटिंग इट्स, लाइक फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज, इफ यू फाइंड ग्रोथ रेट ऑफ प्रॉफिट, यू विल फाइंड ग्रोथ रेट ऑफ प्रॉफिट इज लेसर देन द ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स एंड बट स्टिल रिलायंस हैज जनरेटेड वेल्थ। रीजन बींग, रिलायंस क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजें एक्सपांड कर रहा है। अब अकाउंटिंग में देखो दिक्कत क्या होती है, मैं एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन का रिजल्ट ऐसे डे वन में आता है क्या, फर्स्ट ईयर में आता है क्या? रिलायंस ने कल बोला दे आर गोना लॉन्च अ न्यू ब्रांड इंडिपेंडेंस टू एंटर इनटू द एफएमसीजी, दे अनाउंस दैट दे आर गोना स्पेंड ऑफ लेट्स से 50-60,000 करोड़ रुपीस ऑन टू हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, मुकेश अंबानी जी ने अनाउंस किया था। आपको क्या लगता है ये जो खर्चा है इसका रिजल्ट फर्स्ट ईयर से आना चालू होगा? लेकिन डेप्रिसिएशन तो फर्स्ट ईयर से आता है ना, एंड स्पेशली अगर मैंने उसमें WDV मेथड फॉलो किया तो इनिशियली डेप्रिसिएशन बहुत हाई दिखता है, उससे प्रॉफिट कम होता है, लेकिन उसका इफेक्ट आने को टाइम लगता है। बट उसका इफेक्ट आने तक कंपनी और नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है। तो रिलायंस ऐसे जो बिजनेसेस है जो हर एक साल खुद को री इन्वेंट करते हैं, उनका प्रॉफिट उतने रेट से नहीं ग्रो होता जितना सेल्स ग्रो रहा है, बिकॉज देयर इज सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इंक्लूड्स कॉस्ट फॉर बिल्डिंग द फ्यूचर बिजनेसेस। फ्यूचर का बिजनेस बिल्ड करने के लिए वो क्या करता है, आज खर्चा करता है और वो P&L को डेबिट होता है। बट देर आर सो मेनी बिजनेसेस वेर यू कैन फाइंड आउट माई प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग एट अ रेट faster than sales, that's the clear ability of management to deliver return to shareholders. The directors are basically ensuring that if my sales have grown by 20%, I am making my profits grow by 25%, 30%, 40%. Percentage kitna hoga, that depends. Isko bolte taking a advantage of fixed cost. Fixed cost don't go in proportion of sales. Variable cost go in proportion of sales. But it is an illiteracy to say that if my sales went up by 20%, my variable cost goes up by 20%. That is illiterate logic. Why? There are economies of scale. Or inflation level in your input and inflation level in your sales might be same. Might be different. Analytics. CA course is a variable cost, a cost which varies with reference to sales. Variable cost. अरे ये BCom level को सिखाया ना चलता है, तुम CA में भी यही करते हो, वही तो दिक्कत है मेरे को। जब तुम इंटरव्यू में जाके बकोगे, हाँ बाबू राव सेल्स इज इक्वल सेल्स ग्रोज बाय 20%, वेरिएबल कॉस्ट ग्रोज बाय 20%, वो 50% लोगों को जो जॉब नहीं मिल रहे ना उनमें रहोगे तुम, और उसी तरीके से बच्चे क्रिएट हो रहे हैं। लिवरेज समझा तुमको, CAGR समझा, क्लियर? देखो अगला क्वेश्चन।
इसे लिवरेज, अब मैंने लिवरेज का फॉर्मूला नहीं दिया है, मैं फॉर्मूला दे दूंगा बाद में। अरे तुम मेरे तरीके से चलो, तुमको सिर्फ सुनने की आदत डालो, थोड़ा धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूंगा कॉन्सेप्ट को। अब और एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ये वही वाला फॉर्मूला है, सीएजीआर हमने ढूंढ लिया। किसका सीएजीआर था वो? सेल्स का, प्रॉफिट का सीजर। ऐसे किसी भी चीज का आपको सीजर ढूंढना है आप ढूंढ सकते हो। ओके, और एक जन्नत चीज बोलूं, पागल हो जाओगे। इसको ऐसा सर्कल करो, मां कसम चीज है ये। दिस इज नथिंग बट जीएम ऑफ एन्युअल ग्रोथ रेट। बहुत सर आधे लोग बोल रहे हैं क्या है, क्या कौन सी लैंग्वेज में लिखा है, ज्योमेट्रिक मीन। अरे गधे, फुल फॉर्म तो गधा भी बोलेगा रे, तुम एकत्व में तो उतना तो फुल फॉर्म तो बोल पाओगे। हाँ, आगे की लेवल। हाँ? बोलो आगे, बोलो किसको समझे। जीएम का फुल फॉर्म तो सबको मालूम है, ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, कुछ लोगों को वो भी नहीं मालूम था, जनरल मैनेजर सोच रहे थे, जनरल मोटर सोच रहे थे। ठीक है, ओके, धीरे धीरे आप बन जाओगे एक तुम का पार्ट। बोलो है क्या, किसको समझाए लाइन, बोल बेटा। मतलब ट्रांसलेट कर रहा है क्या जो लिखा है वो? मैं इंग्लिश में लिखा है, वो हिंदी में बोल रहा है उसको, तो मराठी में बोलना चाहता है। कैसे कैलकुलेट करोगे, बोल। बोल नेक्स्ट। तो कैसे कैलकुलेट हो गए? ट्राई इट आउट ऑन योर ओन टुमारो। आई विल वेंस आई विल ब्रिंग अ लैपटॉप फ्रॉम टुमारो। या इस एक्सेल पे भी, हाँ अभी भी सिखा सकता हूँ, यहाँ पे ये एक्सेल पे आ सकता है। आई डोंट नो, मेरे पास की लैपटॉप नहीं है, अभी लाया नहीं है मैंने। कीबोर्ड से चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है। ये जन्नत है, इसको आपको आगे जाके बिजनेस को, सिक्लिकल बिजनेस को एनालाइज करना है, तुमको एसआईपी का रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं, तुमको वोलेटिलिटी कैलकुलेट करना है, तुमको फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स होते हैं उनका एनालिसिस करना है, तुमको बॉन्ड मार्केट के अंदर कॉन्वेक्सिटी का एनालिसिस करना है, तुमको स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट समझना है। इतने सारी चीजों में लगे गए बेसिक। वही तो बोल रहा हूँ, तुमको पोटेंशियल मालूम नहीं है, मेरा काम सिर्फ इतना है वो इग्नाइट करो। वन प्लस आर वन इंटू वन प्लस आर टू इंटू वन प्लस आर थ्री सो ऑन अप टू वन प्लस आर टेन होल थिंग इन अ ब्रैकेट रेज टू वन बाय टेन माइनस वन विल बी 33.62%। भवन सर, अब कितने लोगों की बत्ती जली? हाँ, अभी भी बहुत सारे लोगों की बत्ती नहीं जली है। जलाना चाहते हो? स्ट्रेस मत लेना, इंटरेस्ट
एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, एग्जाम का चीज तो हम करेंगे, ये एग्जाम में तो ये बेसिक फॉर्मूलाज भी नहीं आते यार। हर साल का जो ग्रोथ रेट है ना, वो R1 R2 से डिनोट किया मैंने। ये जो CAGR होता है वो हर साल के ग्रोथ रेट का कंपाउंडेड एवरेज है, इट्स नॉट अ सिंपल एवरेज। तो देर इज अ फंक्शन कॉल्ड द जियो मीन, नथिंग टू डू विद द जियो। ऑब्जर्व, मैं क्या कर रहा हूं अभी, मैं एक्सेल पे गया, ये जो डेटा है ना इसको एक्सपोर्ट, वो इधर नहीं होगा शायद, इधर एक्सपोर्ट का ऑप्शन इस पे रहता है ऑप्शन इधर ये, अरे लेकिन ये आईपैड पे एक्सपोर्ट करके वो कहाँ से करेगा, कर सकता है ओपन इन एक्सेल, तो डेटा शीट आएगा, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सो March 13 से दे रहा है यार ये, March 12 से नहीं दे रहा है, क्यों है ऐसा, उधर अलग दिख रहा है, उधर अलग दिख रहा है। अरे कॉपी करके वही कर रहा हूँ ना, फिर पहले भी वही कर रहा था, तेरे को लगता है कि मेरे को आता नहीं। हाँ कॉपी, मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, वो क्लिक हो नहीं रहा है। अब कॉपी करके वो एग्जैक्ट एक्सेल के फॉर्मेट में आएगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। बेस्ट, हाँ आ ले, आ गया थोड़ा सा आ गया। चलो ये इस उसको तो इतने को तो मैं चेंज कर सकता हूँ। बेस्ट, आर यू रेडी टू गो मैड? रिस्पॉन्स नहीं है। सेल्स 2209 से कितने हो गए? 30,976 है ना, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। यहां पर उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है, लेकिन हम भी निकाल सकते हैं कैसे, सिंपल है, दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस, वो वही फिगर आएगा। उसने थोड़ा राउंड, उसके पास पूरा फिगर रहेगा ना, ये देयर फिगर इज मोर बेटर बट वी विल इग्नोर इट, क्योंकि हमारे आंसर को हमें टैली करना है, समझा कह रही? ये क्या हुआ है, इसको परसेंटेज में मैं फॉर्मेट करता हूं। फर्स्ट ईयर में तुम्हारा सेल्स कितना ग्रो हुआ? 51.24 है ना, देन कॉपी पेस्ट, हाउ मेनी फिगर्स आएगा? 10 फिगर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कुछ साल सेल्स 50% से ग्रो हुआ, कुछ साल 40% से ग्रो हुआ, कुछ साल 30% से ग्रो हुआ, कुछ साल अलग रेट से ग्रो होगा, समझा क्या? आप इमेजिन करो, ये 1 रुपया था ईयर के बिगिनिंग में, फर्स्ट ईयर में ग्रो कितने से हुआ? 51.24 से। व्हाट इज दिस? दिस इज YOY सेल्स ग्रोथ, YOY सेल्स ग्रोथ, ठीक है? आप इमेजिन करो, ईयर के बिगिनिंग में मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया था, वो 51.54% से ग्रो हुआ, तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस और 1 इंटू, डायरेक्ट कर सकता हूं, 1 इंटू 100% प्लस 51 पॉइंट, मतलब कितना हुआ, 1 रुपी बिकेम 1.51 है ना, 1 रुपी बिकेम 1.51 रुपीज। इफ आई इन्वेस्टेड 1 रुपी इन फर्स्ट ईयर, इट बिकेम 1.51। इफ आई इन्वेस्टेड अनादर 1 रुपी इन सेकेंड ईयर बिगिनिंग, आई डिड नॉट, 1 रुपी बिकेम 1.51। नाउ आई एम नॉट इन्वेस्टिंग 1.51, फॉरगेट दैट, ये कैलकुलेशन छोड़ दो। फर्स्ट ईयर का 1 रुपी बिकेम 1.51, सेकेंड ईयर का 1 रुपी बिकेम 1.4, थर्ड ईयर का 1 रुपी विल बिकम 1.37। कैन आई कॉपी इट? एक आधे साल में वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना, 9.7 हो गया, दैट्स ओके। व्हाट इट टेल्स यू, ईयर के बिगिनिंग में 1 रुपया लगा रहे हो तुम, तो ईयर के एंड में कितना हो रहा है? मुझे क्या करना है, ईयर के बिगिनिंग में जो मैंने 1 रुपया लगाया था
उसको ईयर वन के एंड में चाहिए, ईयर वन के एंड में जो वैल्यू है वो ईयर टू के बिगिनिंग में जाएगा, वो ईयर टू में ग्रो होगा, लाइक दिस आई वॉन्ट अमाउंट टू ग्रो, है ना। ये क्या है, वॉट आर दीज, दीज आर नथिंग बट वन प्लस आर वन, वन प्लस आर वन, समझा गया, वन प्लस आर वन इंटू वन प्लस आर टू, प्लस नहीं बोला, इंटू वन प्लस आर टू इंटू वन प्लस, मतलब ये सारे चीजों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए मुझे। अब वो एक्सेल पे टाइप करना, प्रोडक्ट नहीं, सम प्रोडक्ट एक्सेल में फंक्शन था, अगर आप देखोगे ऐसा प्रोडक्ट है, देखो प्रोडक्ट क्या बोलता है, मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स, समझा क्या रे, मैंने आपको एक फंक्शन सिखाया था सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन भी करता है, उनका समेशन करता है, सम कर ले लेता है। हमें क्या चाहिए, सम प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए, इनका इनका आ गया प्रोडक्ट 14 रूप, बोले ये क्या है 14, तुम सिंपल कैलकुलेटर पे लो ना, 1 ले लो ले लो प्लस 51.24% प्लस 40.26% प्लस 37.41% प्लस 33.31% प्लस 38.61% प्लस 26.35% प्लस 33.07% प्लस 24.32% प्लस माइनस 2.92% माइनस 2.92% प्लस 28.30% एग्जैक्ट नहीं मैच होगा, यू शुड हैव गॉट 14.02 अप्रॉक्स। आना, आर यू रेडी फॉर मैजिक, मैजिक इज हियर, दैट वन रूपी बिकेम 14 रूपीज इन 10 इयर्स, 14 इज अ फ्यूचर वैल्यू, वन इज अ प्रेजेंट वैल्यू, 14 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू, लिखा नहीं तो भी चलता है, वन है ना, रेज टू इंटू वन प्लस आर रेज टू 10 था, वो 10 को मैंने इस साइड पे लेके आया, तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था अभी, एक ये हाथ से क्या लिखा था मैंने, रेस्ट टू वन बाई टेन, रेस्ट टू वन बाई टेन क्या था, अरे ये जो है ना वन प्लस आर वन इंटू वन प्लस आर टू इंटू समथिंग, दिस इज नथिंग बट अ फ्यूचर वैल्यू, उसको राइट हैंड साइड से मैंने एन जो था रेस टू वो एल एच एस को लेके आया। अरे दिमाग चल रहा है क्या, लास्ट बेंच, सो दिमाग वो 10 मैं इधर लेके आया, लेकिन इधर जब लेके आता तो 1/10 बनता है, क्योंकि आई एम मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ बोथ द साइड्स बाय 1/10। दिस रेज टू, एक्सेल में रेज टू ऐसा होता है 1/10, समझा, ये आ गया, इसमें से माइनस 1 करना है और इसको मैं परसेंटेज में करूंगा 30.22। हाँ, मैंने सेल्स का लिया, ये प्रॉफिट का था 30.23 आया था, दैट्स ओके, दैट इज राउंडिंग ऑफ डिफरेंस। बाउंसर, दिस वॉजंट अ मैजिक, मैजिक बिगिंस नाउ। बोले ये क्या था, ये तो वही था, अरे बहुत आगे वाली चीज है, ये सारा कुछ करने का जरूरत नहीं था, इतना फॉर्मूला वगैरह लगाने का, एक बार सेल्स ग्रोथ आके ये फिगर आ गया ना, देयर इज अ फंक्शन, आई ऑनेस्टली डोंट नो, आई एम फर्स्ट ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन आईपैड, सो आई डोंट नो वेदर हाउ डज इट वर्क ऑन आईपैड, देयर इज अ डायरेक्ट फंक्शन जियो मीन, क्या बोला मैंने, वो जीएम का जो फुल फॉर्म था ना वो ज्योमेट्रिक मीन था, आ गया आंसर, एक्सेल पे भी वर्क, ये आईपैड पे भी वर्क करता, माइनस 1 आ गया आंसर। ये सारा कुछ करने का जरूरत ही नहीं था, इतना प्रोडक्ट करो फिर प्रोडक्ट करके ये रेज टू करो ये करो, कुछ भी जरूरत नहीं था, विदाउट एनीथिंग ऑफ दिस आई गॉट आंसर। आप यू डोंट नो वेर ऑल इट इज यूज्ड, आपको मालूम नहीं है इसका यूज कहां पर है, मैं इसका बॉन्ड मार्केट में इसका यूज दिखा सकता हूं, टू अंडरस्टैंड समथिंग द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट विच रघुराम राजन हैड यूज्ड टू प्रेडिक्ट द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस।
ये ग्लोबल फाइनेंशियल का ये क्या है, हमने तो सीखा था ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r^n। वही तो डिफरेंस है, तुमको मालूम नहीं है इसका यूज कहां पर है। आई कांट एक्सप्लेन यू नो, दिस इज फॉरवर्ड रेट एंड स्पॉट रेट करके होता है, एक्सट्रीम लेवल का कॉन्सेप्ट है। आपको सिर्फ इतना भी समझ गया, नहीं ज्योमेट्रिक मीन छोड़ दो, नहीं समझा तो भी चलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा आपका दिमाग ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं समझा होगा इसमें से, बहुत सारी चीजें समझी होगी, और ये भी समझाना तुमको काफी है। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r^2, ये समझाना तुमको। चलो आगे आते हैं, दैट वाज अ ज्योमेट्रिक मीन। याद करो लिवरेज चैप्टर में मैं इसको लिंक करूंगा, तो लिवरेज का कॉन्सेप्ट को लिखिए। अलग अलग एग्जाम्पल दे, मैं इसके ऊपर आपको 10 और एग्जाम्पल दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूं। और तुमने वो तुमको रिकॉर्डेड लेक्चर दिया था, उसमें शायद ये बोला था, नहीं बोला था मुझे मालूम नहीं। ये आई डोंट नो, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, आई डू नॉट नो व्हाट आई टीच। इफ द सेम लेक्चर आई स्टार्ट डिलीवरिंग आफ्टर 1 वीक, आई विल डिलीवर समथिंग डिफरेंट। आई डोंट नो, आई माइट गिव सम डिफरेंट एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो बिकॉज आई डोंट स्टोर एनीथिंग इन माई ब्रेन। दैट्स वॉट द प्रोफेशनलिज्म इज, बट ट्रू कॉन्सेप्ट आई विल नॉट मिस। एग्जाम्पल्स कैन बी एनीथिंग टू एनीथिंग। नाउ देर वॉज ज्योमेट्रिक मीन, तुमको फाउंडेशन में सीखा था फॉर्मूला की एप्लीकेशन, तुमने सीएजीआर ऐसे निकालना है, या ज्योमेट्रिक मीन सीखा था। इससे मैं अभी तक कंटिन्यूस कंपाउंडिंग पे गए नहीं, इससे नेचुरल लॉग, लॉग टू द बेस 10। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, वेन यू गो डाउन टू लाइक आई सेंट वन ऑफ माई स्टूडेंट टू वर्क विद रघुराम राजन, इज इन द यूएस राइट नाउ, अभिराम भाले राव करके बंदा है, आई कॉल हिम समटाइम। बॉस द कोर्स आउट देयर स्टार्ट्स एट अ पर्टिकुलर लेवल एंड देन यू कम अप विथ समथिंग अमेजिंग। यू डोंट, यू जस्ट डोंट नो द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट राइट नाउ। वेन यू विल कम टू नो अबाउट एप्लीकेशन 3-4 ईयर्स डाउन द लाइन, दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉन्ट दैट इंटरेस्ट टू बी डेवलप्ड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यू दिस इज नॉट मार्क्स और दिस इज नॉट टू शो यू हाउ मच टैलेंट आई हैव, दिस इज टू टेल यू बट बॉस लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट कैन टेक यू टू अ नेक्स्ट लेवल। फाइनेंस के अंदर बहुत सारा चीज है, इससे आप किसी भी बिजनेस का, आपको एनालिटिक्स करना है, काम में आ सकता है सीएजीआर। बॉस आई कैन आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाई योर प्रॉफिट्स आर नॉट ग्रोइंग एट अ रेट फास्टर देन सेल्स, व्हाई? द बिजनेस मस्ट गेट अ बेनिफिट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड आई लर्न दिस बाय मेकिंग लॉसेस इन सम कंपनीज। आई मेड लॉसेस, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट नहीं सिखाया था ना मुझे किसी ने, कि मुझे नहीं सिखाया है किसी ने, कोई बुक में नहीं मिलेगा तुमको, कोई किधर नहीं मिलेगा। चलो नेक्स्ट, अब चलो अगला एग्जांपल देखो मिस्टर, अभी तुम्हारे लेवल का एग्जांपल है, क्या नाम तेरा? साहिल, मिस्टर साहिल मेड, बहुत सिंपल एग्जांपल है, एफडी ऑफ ₹1 lakh विथ SBI, हाँ, फॉर 5 years। आफ्टर 5 years भाई ने FD कर ली। भाई ये भाई लैंग्वेज कहां से आता है ना, तुम्हारा भाई, अरे क्या और टपोरी लोग हो गए। भाई ने FD कर लिया। अभिषेक शायद तेरे को सीखना पड़ेगा चीज। After 5 years, SBI gave ₹1.75 lakhs. SBI gave how much? 1.75 lakhs after deducting 10% TDS. Find out. बहुत सिंपल है भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी। चलो फिक्स डिपॉजिट है एफडी, करो करो, फाइंड आउट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी। स्टार्ट,
Apply brain. It's a too good question. डिस्कस मत करना, सिर्फ खुद इंडिविजुअली करना, दिमाग को चैलेंज कर दूंगा मैं। एफडी के ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करके। क्या ना है आगे आंसर? तो बोरा जी का आंसर आ गया है, जुगल पोकर उसका भी आंसर आ गया है। गूगल पे ये लोग सरनेम अच्छा मतलब करेक्ट क्यों नहीं डालते ये लोग? आई डोंट नो द आंसर। डू नॉट डिस्कस। ओके लुक एट इट। आ गया क्या आंसर? आ गया? नहीं आया? इट्स ओके, नहीं आया होगा तो भी कुछ, जिनको कुछ भी नहीं आ रहा ना उनको थोड़ा बुरा लगेगा, लगने दो। तो आपको यह समझ में आएगा कि अब तक आपको कुछ नहीं सिखाया। सॉल्यूशन देखना, देखो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। सी अमाउंट बिफोर इंटरेस्ट, पहले आपको एफडी 1.75 लाख मिला ना आपको, वो टीडीएस काटने के बाद मिला है ना, तो अमाउंट बिफोर टीडीएस, इफ इट इज 100 रुपीज, टीडीएस कितना रुपया आता है? 10 रुपया आता है। अमाउंट आफ्टर टीडीएस कितना रहता है? अमाउंट आफ्टर टीडीएस इज 90, आफ्टर टीडीएस कितना है? 1,75,000। तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसा कर सकते हो, 1,75,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, बोलो 1,44,000। ये आपको बिफोर बिफोर टीडीएस आ गया। फॉर्मूला क्या है? एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1+R रेस टू, कितने का एफ डी किया था? 1 लाख का। कितना बना उसका? ओ नॉट 1,75,000, 1,94,000 समथिंग। दिस हैज ग्रोन इन हाउ मेनी इयर्स? 1 लाख हैज ग्रोन टू 194 समथिंग समथिंग, बोलो 14.22%। Have you got it? Yes. How many could get it? Raise your hand. Wow! Please stand up. All of those who got 14.22, please stand up quickly. Honestly, stand up. These are Pakistanis. Please stand up. Be honest. Those who got 14.22, please stand up. Kaan pakdo. उठक बैठक मारो, घर पे भी उठक बैठक मारने का है। तीन बार उठक बैठक मारने का है। हार्श उठक बैठक मार, तेरे बम को नीचे टच कर। ले पूरा इनकम टैक्स का सब्जेक्ट सीखने के बाद भी इनको टीडीएस समझा नहीं है, बेशरम कही के। टीडीएस विल बी ऑन इंटरेस्ट। साले गधो, तुम लोगों ने 1,75,000 पे टीडीएस पूरा लगाया है, या पूरा 1 लाख? इज अ टीडीएस ऑन प्रिंसिपल अमाउंट? टीडीएस इज अ टैक्स। टैक्स किसके ऊपर होता है? इनकम के ऊपर होता है। इनकम क्या है? इंटरेस्ट। आईएफओएस, पहले आईएफओएस वाले, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आए हमें सीए करना है। और को हाथ कितने लोगों का आया? हाउ मेनी गुड क्रेडिट? यस, हैंड्स आर फर्स्ट अप।
बेशरम कही गए. दिस इज रॉन्ग आंसर. जिन्होंने भी लिखा होगा लिखो उसको पाकिस्तानी. ओके आई एम, ये पाकिस्तानी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट हूं. हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो इट जस्ट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यू आर नॉट अप्लाइड अ ब्रेन बॉस. सुन लो, अगर इंटरेस्ट बिफोर टीडीएस इज 100, देन द टीडीएस इज 10. इंटरेस्ट आफ्टर टीडीएस विल बी 90. दिस इज इक्वल टू 75,000. 1 लाख का 1,75,000 हुआ, मतलब इंटरेस्ट 75,000 मिला. वो 75,000 इज आफ्टर टीडीएस. ब्रेन फाइंड आउट इंटरेस्ट बिफोर टीडीएस 80,000, 83,333. व्हाट इज इट? दिस इज अ इंटरेस्ट बिफोर व्हाट? टीडीएस. सो व्हाट वाज मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ एफडी? 1 लाख तुमने इन्वेस्ट किया था, उसके ऊपर तुमको 83,333 का इंटरेस्ट मिला. 183,333. व्हाट इज 183,333? मैच्योरिटी वैल्यू. दिस इज अ मैच्योरिटी वैल्यू, है ना? ये हो गया तुम्हारा मैच्योरिटी वैल्यू. कुछ समझा गया मैच्योरिटी वैल्यू? हा हा हा. अब जाके मैं क्या करूंगा? 183,333 is equal to 1 lakh into 1 plus r raised to n. r ab jaake nikalunga main. 12.888. n yahan par 5 years hai. wo 12 times square root ke process se answer aata hai. maine upar process likha tha. foundation pass ho gaye to malum hona chahiye. 12 टाइम स्क्वायर रूट करना है. 183,333 डिवाइडेड बाय 1 लाख. प्रेस स्क्वायर रूट बटन. 12 टाइम्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स एंड देन फाइनली माइनस 1 अगेन करना पड़ेगा. हाउ मेनी गॉट दिस? गुड गुड. समझ में है डिफरेंस? यही फॉर्मूला तुमने फाउंडेशन में कितने आसानी से किया होगा. और मैं तुमको कितने सारे एप्लीकेशंस इसके अभी तक बोला ही नहीं और बोलने वाला भी नहीं हूं, क्योंकि वो बहुत अलग लेवल पे. बट ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू लर्न ओवर द इयर्स. अब समझ में आया? अब मुझे, मैं तुमको बोलता हूं यही चीज मैं तुमको नहीं सिखाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था. चैप्टर भी कोई जरूरत नहीं है. विदाउट टीचिंग एनीथिंग ऑफ दिस यू कैन स्टिल पास. अनफॉर्चुनेटली उसमें से कुछ लोग मेरिट में आएंगे. मैं सिर्फ कुछ पैसा खरीद करके मेरिट रैंकर्स शो, मेरिट रैंकर इंटरव्यूज, चलो आओ कर सकता हूं. बहुत ज्यादा मतलब बच्चे ये करो, सिर्फ एडवर्टाइज करते रहो. मैं कुछ खुद पढ़ू ना, मैं खुद रिसर्च ना करूं और सिर्फ मेरा दिमाग इंस्टाग्राम पे लगाऊं. तुमको खोखला बनाओ तुम्हारा दिमाग को. बट आई विल गिव यू इंप्रेशन दैट यू नो एवरीथिंग. थोड़ा सा तुमको माँ बाप पे इमोशनल ड्रामे पे लेके जाऊंगा. माँ बाप से थोड़ा लिंक करूं, थोड़ा मैं ऐसा देखो गांव से आया था, यहां से ऐसा लेके आऊं. बॉस माय बैकग्राउंड, यू हैव नो इंटरेस्ट, यू हैव नो इंटरेस्ट, यू शुड लर्न ओनली ट्रू कॉन्सेप्ट्स. चलो अब मैं अगले फॉर्मूला पे जाता हूं, एप्लीकेशन नंबर 2 पे, जो एप्लीकेशन 1 से ही बना है.
इसके और बहुत सारे यूज है, मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा जैसे जैसे जरूरत लगे तो। ये हमने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो सुन लेना। ओके बाय द वे ये चीजें कैलकुलेट करने के लिए एक्सेल का फॉर्मूलाज भी है, मैं थोड़ा सा कल एक्सेल थोड़ा बाद में सारा, वंस आई कंप्लीट ऑल द फंक्शंस आई विल टेक यू मोर इनटू एक्सेल, बट तभी भी आपको अभी मैंने तीन फंक्शन सिखाए एक्सेल के, तुमको अगर समझना होगा प्रोडक्ट समझा तुमको, जियोमीन समझा, और मैंने स्क्वायर रूट कैसे लिया वो समझा तुमको, टेंथ रूट मैंने कैसे लिया अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो, इफ यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग इनफ। ब्रेन है, इट्स आसान नहीं है, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। बच्चों अभी क्या करेंगे हम, वो कंगारू जंप का रिवर्स जंप लगाएंगे, ये डिस्काउंटिंग करेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, कंपाउंडिंग कर रहे थे, कंपाउंडिंग की जगह पे हम क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग। एक वैल्यू से हम फ्यूचर में जा रहे थे ना, हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आएंगे। अब फॉर्मूला वही है, एफ वी इज इक्वल टू पीवी, वही फॉर्मूला मैं पहले लिख रहा हूं। ओ, अगर कंपाउंडिंग रहा ना तो आर को आप क्या करोगे, एम से डिवाइड कर लोगे। मतलब मैं उतने सारे सम्स नहीं सॉल्व करवा के ले रहा हूं आपसे, वो है नहीं जितना ब्रेन, मैं सिर्फ पर्पसफुली थोड़ा हायर लेवल के सम्स लेके आ रहा हूं जहां पर आपको ट्रू कॉन्सेप्ट समझ में आए। बेसिक सी आई कैन गिव यू सम वेयर बाय आई कैन गिव यू पीवी, आई कैन गिव यू आर, आई कैन गिव एन एंड कैलकुलेट एफवी। फाउंडेशन क्या था फिर, इसी फॉर्मूला को मैं ट्विस्ट कर लेता हूं। क्या करूंगा मैं, एफवी से मुझे पीवी निकालना है, एफवी से मुझे पीवी निकालना है। कैसे निकालूंगा, पीवी एक साइड पे रखूंगा, ये वन प्लस आर उस साइड पे लेके जाऊंगा, उस साइड पे लेके गया तो क्या होगा, एफ वी इंटू वन अपॉन वन प्लस आर रेस टू एन, वो नीचे चला जाएगा ना डिनोमिनेटर में, या जिसको तुमने ऐसा लिखा था एफ वी इंटू वन प्लस आर रेस टू माइनस एन, रेस टू माइनस एन इज नथिंग बट सेम ना, समझा ना रे। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर से प्रेजेंट जा रहे हैं, इस चीज को हम बोलते हैं, ये ब्लॉक को हम बोलते हैं, इसको क्या हिंदी बोल रहा हूं, मेरा लैंग्वेज भी खराब हो गया यार ओवर द इयर्स, सो डिस्काउंटिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा लैंग्वेज, क्या करे क्या, डिस्काउंटिंग फैक्टर रहना पड़ता है ना तुम लोगों के साथ। पीवी इज इक्वल टू एफ वी इंटू वन अपॉन वन प्लस आर रेज टू एन, इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर। व्हाट डज इट टेल यू, इफ यू आर गोना गेट वन रूपी इन द फ्यूचर, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दैट वन रूपी एज ऑन टूडे, ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ वन रूपी एज ऑन टूडे विल बी लेस देन वन, the value of 1 rupee as on today in future is gonna be common sense, compounding factor will always be greater than 1, discounting factor will always be lesser than 1, hai na। so ye discounting factor nikaloge kaise, I say discounting factor where r is equal to 12%, n equal to 7, karna kaise, इट्स बेसिकली 1 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज टू 7, कैसे लाओगे आंसर को, टेक ऑन योर कैलकुलेटर, टेक ऑन योर कैलकुलेटर, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 किया क्या, इज इक्वल टू प्रेस करो, रुक जाओ 0.8928 आया, इसका मतलब क्या है, इफ somebody is going to give you 1 रूपी After 1 year, that 1 rupee as on today is 89 paisa. एक साल के बाद एक रुपया मिलता तो उसकी आज की वैल्यू कितनी, 89 पैसा। अरे समझा गया, इज इक्वल टू प्रेस कर ले, रुक जा। दो साल के बाद वही एक रुपया दो साल के बाद मिला
तो उसकी आज की वैल्यू 89 पैसा से भी कम है। कितनी है? 79 पैसा। 3 ईयर्स, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 0.2। ठीक है, व्हाट इज इट मीन? सिंपल लैंग्वेज बात करूं, इफ यू आर गोना गेट 1 रुपी आफ्टर 7 ईयर्स, इफ यू आर गोना गेट 1 रुपी आफ्टर 7 ईयर्स, देन वैल्यू ऑफ दैट 1 रुपी एज ऑन टुडे इज 45 पैसा। है ना? थर्ड क्लास। हाँ, बोले गलत कुछ नहीं है। दिस इज नॉट अ ट्रू नॉलेज, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जो आपको ऑब्वियस दिखता है वो होता नहीं कॉन्सेप्ट, मतलब ठीक है। 1 रुपी यू गोना गेट आफ्टर 7 ईयर्स, उसका आज का वैल्यू 45 पैसा है। ठीक है, अब देखो इसी को मैं कैसे अलग तरीके से बोलता हूं, सुन लेना। यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट 45 पैसा टुडे और रिसीविंग 1 रुपी आफ्टर 7 ईयर्स, प्रोवाइडेड योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज 12%। यू आर विलिंग टू, समझा नहीं अभी मैं, तू 2 मिनट रुक। यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट 45 पैसा टुडे फॉर रिसीविंग 1 रुपी आफ्टर, प्रोवाइडेड योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज, समझा? डिस्काउंटिंग फैक्टर आर इक्वल टू 14%, एन इक्वल टू 7। मैंने सब कुछ सेम रखा, क्या चेंज किया मैंने? आर मैंने 12 से कितना किया? 14 किया। एन भी 7 ही है, पॉइंट 39। What does it mean? What does it mean? If your time value of money goes up, present value comes down. इसका मतलब क्या हुआ? You are willing to invest 39 पैसा today or 40 पैसा today. You are willing to invest 40 पैसा today for receiving 1 rupee after 7 years, provided your time value of money is. Or provided you want a rate of return of, if your rate of return is less than 14%, if your rate of return comes to 12%, then rate of return comes to 12%, क्या होगा? Present value will go up. So increase in time value of money reduces the amount which you are willing to invest. If a time value of money goes up, the amount which you are willing to invest comes down. Fed rate hike. Time value of money is what? Cost of capital. Expectations of investors. Fed increased rate of interest few days ago. Anna. 3 days ago, basically, 2 days ago, the Federal Open Markets Committee raised the benchmark rate by 50 bips. ठीक है, basis from 4.25 to 4.5% target range. This is a pathetic method of saying that I am teaching you practical knowledge by opening something and just typing something on Google and reading the first line. Now let me show you the true concept. And then you end up making a mistake that Shah Rukh Khan invested in Reliance Jio. If you trust this kind of knowledge. For your information, Shah Rukh Khan never ever invested in the Jio. But India believed that Shah Rukh Khan is a very smart investor. KKR invested in जियो। अगर आपको इसका ट्रू कॉन्सेप्ट मैंने जो बोला ना अभी, मैंने कॉन्सेप्ट क्या सिखा रहा हूं तुमको? टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस
Present value reduces. U.S. Treasury yields. Let's see what happened in 2022. So we'll go to the authentic source, Treasury Department, home.treasury.gov. तो वहां पर आता भी है यू विजिटेड दिस पेज ऑन व्हाट डेट. तो आई कैन गो टू डेली ट्रेजरी यील्ड कर्व रेट्स. दिस इज एक्सेल शीट. दिस इज फॉर करंट मंथ. यू कैन डाउनलोड दिस इन एक्सेल शीट. और दिस इज ऑथेंटिक. ये यहां से आपको इकोनॉमी के बारे में, इट्स लाइक वो आयुर्वेदा का जो डॉक्टर रहता है ना, या बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं, उनको आप ये क्या पल्स बोलते हैं ना, इसको नस, पल्स इंग्लिश, पल्स, उसका पल्स रेट, नाड़ी, वो देख के क्या करते हैं? नो, पल्स देख के वो डॉक्टर आपको बोलता है आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, या बेसिक जजमेंट फॉर्म कर लेता है. ये वैसा है, आपको एक बेसिक जजमेंट फॉर्म करना है ना, तो ये इट इज नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस. ऑब्वियसली आपका पल्स रेट देख के या नाड़ी देख के डॉक्टर कंक्लूसिव नहीं बोल सकता, पर ये बेसिक है. देखो ये करंट मंथ का है. आई जस्ट डोंट वांट करंट मंथ, आई वांट 2022. द एंटायर एक्सेल शीट विल कम अप. ये बहुत बड़ा रहेगा. ओके देख लेना क्या है. सुन ला, सुन ला, जस्ट ऑब्जर्व. 2021 वाज बेसिकली द सेकेंड वेव ऑफ द कोविड. समवेयर वर्ल्ड वाइड बाई जुलाई अगस्त गुड वैक्सीनेशन रेट्स हैपेंड, वैक्सीनेशन हैपेंड एंड द वेव सबसाइडेड. समवेयर अगस्त सितंबर, आई थिंक दैट वाज अ टाइम व्हेन द वेकेशंस और वैक्सीनेशन हैड बीन डन एंड द रीओपनिंग स्टार्टेड हैपनिंग. बट इट्स ऑलमोस्ट 2021 वेंट इन टू कोविड ओनली. 2022 बिगिंस. द इन्फ्लेशन soared substantially. Why? Almost 2 years demand was locked, or demand was as if not there for a variety of products. For 2 years, travel was literally lesser. Hospitality is a travel, nobody could travel. International travel तो forget. मैं उसमें भी travel कर गया 4 बार. हाँ मैं किधर किधर जैक लगा के travel किया. वो तो छोड़ना नहीं, मेरे उतना छुट्टी मिला मेरे को प्रॉपर कोविड के अंदर. जिस दिन लॉकडाउन इधर खत्म हुआ, उस दिन से मैं कोविड का लॉकडाउन खत्म होने तक 2 बार कोविड लेके घूम के आया. सो ऑब्जर्व, फर्स्ट 3rd of January 2022, ये MMDDYY है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दीज आर इंटरेस्ट रेट्स. दीज आर इंटरेस्ट रेट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट टेन्योर. एक चीज हमेशा याद रखना, कोर प्रिंसिपल्स बोल रहा हूं मैं. सुनने को तुम लोग तैयार हो तो ही मैं बोलूंगा, मतलब तुमको अगर किसी दिन लगे तो मुझे बोलना, या मुझे फीलिंग आए तो मैं ऑटोमेटिकली कट डाउन करेगा. थोड़ा इसके लिए ज्यादा टाइम लग सकता है, उससे कोई जिंदगी में इधर उधर नहीं होता है, क्योंकि मैं कुछ गाना बिना टाइम पास नहीं कर रहा हूं, और तुम्हारा स्टैमिना है इतना सुनने का, ये भी मैं तुमको बोलता हूं. ये है टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. एक बेसिक कोर प्रिंसिपल है फाइनेंस का. पर्पसफुली मैं स्लो बोल रहा हूं. एज टाइम टू मैच्योरिटी इंक्रीजेस, रिस्क इंक्रीजेस फॉर अ इन्वेस्टर. समझा क्या लाइन? अगर आप 1 महीने के लिए पैसा लगा रहे हो, 1 साल के लिए लगा रहे हो, 5 साल के लिए लगा रहे हो, 10 साल के लिए लगा रहे हो, टाइम पीरियड बदल गया. एज अ टाइम टू मैच्योरिटी इंक्रीजेस, रिस्क इंक्रीजेस. द रिस्क इंक्रीज शुड ट्रांसलेट इन टू रिटर्न इंक्रीज. अब ये क्या है? ये जो है ना, ये रिटर्न है. रिटर्न को ही फैंसी लैंग्वेज बोलते हैं यील्ड. क्या बोलते हैं बच्चों? यील्ड. यील्ड ऑन व्हाट? गवर्नमेंट बॉन्ड्स. यूएस में बॉन्ड डायरेक्ट उसको ट्रेजरी बोलते हैं. गवर्नमेंट हम फिस्क बोलते हैं उसको.
इंग्लिश में कुछ लोग उसको फिस्क बोलते हैं, कुछ लोग उसको ट्रेजरी बोलते हैं, छोड़ दो, गवर्नमेंट की तिजोरी। तो गवर्नमेंट के तिजोरी में जो इनफ्लो आता है वो कम होता है एज कंपेयर टू एक्सपेंसेस, बोलते हैं उसको डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। इनफ्लो टैक्सेस के फॉर्म में आता है, ये सब इकोनॉमिक्स में है। बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, विदाउट रट्टा तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इनफ्लो आउटफ्लो गवर्नमेंट का डेफिसिट होता है, डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट को फंड रेज करने होता है, वो ट्रेजरी के थ्रू गवर्नमेंट रेज करता है, अलग अलग टेन्यूअर्स के लिए गवर्नमेंट पैसा रेज करता है। क्योंकि शॉर्टफॉल जो आता है वो ऐसा नहीं कि अगले सिर्फ 6 महीने के लिए शॉर्टफॉल है, कुछ लॉन्ग टर्म के एक्सपेंसेस रहता है, कुछ शॉर्ट टर्म के एक्सपेंसेस रहते हैं। गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ लेट्स से लॉन्चिंग अ मेट्रो लाइन इन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स और बीजेपी रूल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, ओ सॉरी कॉरपोरेशंस इन इंडिया, माय मिस्टेक, मोदी जी इज ग्रेट, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए क्या लगेगा आपको? फंड्स लगेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, आपको सैलरी देनी है गवर्नमेंट ऑफिस एम्प्लॉयज की, पैसा नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगेगा। तो हर गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मार्केट से बोरो करते रहता है, बोरोइंग प्रोग्राम रहता है। इंडियन गवर्नमेंट करता है, यूएस गवर्नमेंट करता है, देयर आर वेरी फ्यू गवर्नमेंट्स विच आर इन सरप्लस। जर्मनी यूज्ड टू बी इन सरप्लस, नाउ नॉट, नाउ ऑयल क्राइसिस हैज लेड टू प्रॉब्लम। मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज अभी सरप्लस में बिकॉज ऑयल प्राइसेस आर रॉकेटेड बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन फ्रॉम रशिया बींग डिसरप्टेड। तो देयर आर वेरी फ्यू नेशंस विच आर इन सरप्लस। इन लार्ज यूएस इज इन डेफिसिट, यूएस इज ऑल्सो इन डेफिसिट। क्यों? गवर्नमेंट इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हुज शेयर्स वी आर परचेसिंग। गवर्नमेंट इज देयर फॉर वेलफेयर, गवर्नमेंट इज नॉट देयर फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स और सरप्लसेस। कुछ गवर्नमेंट सरप्लस करते हैं, स्पेशली दोज कंट्रीज आइदर आर स्मॉलर इन साइज या दे आर ऑलरेडी वे डेवलप्ड, कि उनका इनफ्लो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस इज सो हाई दैट दिस कंट्रीज डोंट नो हाउ टू स्पेंड और वेयर टू स्पेंड। होता है ऐसे कंट्रीज, आइदर दे आर नेचुरल मोनोपोलीज और नेचुरली दे हैव गॉट अ बेनिफिट, वराइटी ऑफ रीजन कैन बी देयर। वंस यू गो इन टू लिटिल बॉट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स देन आपको समझेगा। फिस्कल डेफिसिट है, तो ये यूएस गवर्नमेंट का डेफिसिट है, उसके लिए यूएस गवर्नमेंट बोरो करता है पैसा। वो क्या रेट है बोरोइंग का? वो रेट पीरियोडिकली चेंज होता है सेकेंडरी मार्केट में। गवर्नमेंट तो प्राइम एक ही बार बोरो करता है प्राइमरी मार्केट से, गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट भी बोरो करता है। इंडियन गवर्नमेंट किसके थ्रू बोरो करता है? आरबीआई के थ्रू। आरबीआई एक्ट एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, यूएस में वो फेड रिजर्व काम करता है। तो बोरोइंग किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बोरोइंग किया। इंडिया में डेटा इतना आसानी से मिलता नहीं, इसलिए मैं यूएस के वेबसाइट पे जा रहा हूं। इट्स नॉट दैट आई लाइक दैट यूएस, अपने यहां पे डेटा बहुत मुश्किल से मिलता है। तो यूएस ने डेटा दे दिया कि प्राइमरी मार्केट में उन्होंने, यूएस गवर्नमेंट ने पैसा रेज किया, लेकिन वो जो बॉन्ड रहता है या जो डिबेंचर रहता है उसका ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में हर रोज हर मिनट चलते रहता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट नाम का एक चैप्टर सीखा होगा तुमने ग्रुप वन में अकाउंट्स में, उसमें आप क्या करते थे? डिबेंचर्स परचेज, डिबेंचर सोल्ड, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस, याद होगा? वो क्या था? सेकेंडरी मार्केट तो था। सेकेंडरी मार्केट में कुछ लोग डिबेंचर खरीद रहे थे, बेच रहे थे, और उन डिबेंचर्स का मैंने आपको ग्रुप वन में एक चीज सिखाया था, YTM, इधर भी सिखाऊंगा आगे जाके आएगा, यील्ड टू, ये है वही यील्ड टू मैच्योरिटी, अलग अलग टेन्योर के मैच्योरिटी है। तो मैंने कोर प्रिंसिपल क्या बोला, एज टाइम टू मैच्योरिटी इंक्रीजेस रिस्क इंक्रीजेस। दुर्गेश कोचरे, वापस होने की कोशिश की ना, अखिया निकाल के गोटिया खेलूंगा। बेशरम कही गए यही। पुराने जमाने गए ना, मैं वो लॉ का भी कुछ सोचेगा नहीं है। मैं एज द टाइम टू मैच्योरिटी इंक्रीजेस रिस्क इंक्रीजेस, रिस्क इंक्रीज हो गया तो क्या करेगा आदमी? रिटर्न भी ज्यादा मांगेगा।
देखते हैं क्या हो रहा था 3 जनवरी 2022 को। 3 जनवरी 2022 को यूएस गवर्नमेंट के 1 ईयर बॉन्ड जो थे 3 जनवरी से लगभग लगभग 1 ईयर ड्यूरेशन जिनका था, एग्जैक्ट मैच नहीं होता वो, इट इज अप्रोक्सीमेट, तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 0.4% पर एनम। मतलब यूएस गवर्नमेंट वॉज बोरोइंग एट 0.4% पर एनम। 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 1%, सो 0.4% इज 40 बेसिस पॉइंट्स। शॉर्ट फॉर्म में उसको बिप्स बोलते हैं, 40 बिप्स और 40 बीपीएस बेसिस पॉइंट्स। 30 ईयर का बोरोइंग रेट था 2.01। मतलब यूएस गवर्नमेंट वॉज बोरोइंग फॉर अ 30 ईयर टेन्यूअर एट वॉट रेट, 2.01। पॉपुलर वन टू लुक आफ्टर अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर लॉन्ग टर्म इज अ 10 ईयर रादर देन 30 ईयर। 10 ईयर यील्ड वॉज एट वॉट रेट, 1.63। यू विल गो मैड, आप लिटरली पागल हो जाओगे जब मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म होगा। लेकिन ये ऐसा चीज नहीं कि मैं शॉर्ट टर्म में ऐसा रील बना के 15 सेकंड में खत्म कर दूं। मेजॉरिटी चीजें जिंदगी में ऐसे शॉर्टकट में नहीं होती है। एक साल के लिए यूएस 10 साल के लिए यूएस गवर्नमेंट क्या रेट पे बोरो करता, 1.63 पे है ना। व्हाट वाज दैट 1.63? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इन्वेस्टर्स वेर एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ 1.63 बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन रेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वेलकम 2022, वेलकम फेब्रुवरी अटैक बाय रशिया ऑन यूक्रेन। What happened? Supply chain got disrupted. China, COVID started again. Supply chain got disrupted again. इससे क्या होने लग गया? Prices or demand was coming back. Demand for aviation turbine fuel had soared up like anything because travel was back at its peak. Everyone just wanted to get out of their homes and travel everywhere else. So fuel requirement for transportation of passengers, goods, commodities, everywhere fuel demand went up. Crude, which was up about rough $50 per barrel, went up to about $120 per barrel. Crude, जो जिससे आपका बाकी के fuel के products बनते हैं सारे. Crude oil prices went up. Everything went up. Inflation just literally skyrocketed. बहुत बढ़ गया inflation. Inflation को control करने के लिए फेड ने इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिए। दे इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्या होगा? ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगे ना, क्योंकि रिस्क फ्री रेट ही बढ़ गया ना। ये देखो ना, मैंने कल क्या बोला था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू, बोलो, रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। चलो ये यूएस गवर्नमेंट है, रिस्क नहीं है, जीरो कर लो रिस्क। गवर्नमेंट बॉन्ड है, यूएस इज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट वन, ट्रिपल ए रेटेड गवर्नमेंट है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, रिस्क नहीं है, रिस्क डिफॉल्ट हुआ नहीं है अभी तक जिंदगी में कभी, तो रिस्क प्रीमियम जीरो। बट यूएस के गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड जो था वो उस टाइम पे 1.63 था कम 2022 एंड। 10 ईयर, अच्छा वो लाइन कौन सा था 10 ईयर का, थर्ड था या फोर्थ था? थर्ड था, 3.44 इंडिकेट्स अ ट्रबल। व्हाई? 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 ईयर का ही तो यहां पर था, तो एक साथ तो दिखेगा नहीं। लेट मी चेक 1 ईयर क्या था। 1 ईयर, 2 ईयर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th कॉलम इज 1 ईयर, 7th इज 2 ईयर्स। यू विल लिटरली गो मैड। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इन द यूएस राइट नाउ, दिस इज 15th ऑफ डिसंबर, यस्टरडे क्या था 4.65। 1 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द यूएस इज गोइंग ऑन एट 4.65 एंड द लॉन्ग टर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3.44। मतलब जो बंदा आज 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है उसको रेट ऑफ रिटर्न जो आज मिल रहा है वो कम मिल रहा है एज कंपेयर टू अ फेलो हु इज इन्वेस्टिंग फॉर। मेनी पीपल से दिस इज टेक्निकली कॉल्ड इन्वर्टेड यील्ड कर्व। क्या वर्ड यूज किया मैंने? यील्ड कर्व। यील्ड कर्व होता क्या है, सुनो,
इसको टाइम वैल्यू अपनी से लिंक करता हूं, प्लीज लिसन ऑन योर स्क्रीन, विजुअलाइज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आई टेक अ टाइम टू मैच्यूरिटी, 0, 1, 2, 3, 4 टाइम टू बढ़ रहा है, टाइम टू मैच्यूरिटी, टाइम टू मैच्यूरिटी बढ़ गया तुम्हारा रिस्क बढ़ता है, तुम एक साल के लिए पैसा लगा रहे हो, 10 साल के लिए पैसा लगा, 10 साल के लिए रिस्क ज्यादा है, वाई एक्सिस रिटर्न, वाई एक्सिस इज वॉट रिटर्न, एज द टाइम टू मैच्यूरिटी इंक्रीजेस रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन शुड गो अप, लॉजिकली इट शुड बी अपवर्ड स्लोपिंग कर, एज अ टाइम टू मैच्यूरिटी इंक्रीजेस यू शुड गेट अ हायर रिटर्न, नाउ इट हैज बिकम अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर और अ इनवर्टेड कर, अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर इज अर्निंग मोर एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म, वॉट वुड हैपन, अ नेचुरल टेंडेंसी कुड बी द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स विल बी मोर, पीपल माइट नॉट इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, एंड द मोमेंट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस, द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स, एक्सपेंशन प्रोग्राम्स, एवरीथिंग टेक्स अ हॉल्ट. This also means basically that investors in the US are expecting interest rates to come down little later going forward. Right now, interest rates are increased substantially by the Fed Reserve. They have not done this in last 40 years. The last thing was done by Alan Greenspan. Alan Greenspan, karke naam dekh. Alan Greenspan ne kiya tha, 1980 somewhere they had done it. Fed ka chairman tha. Uske baad ye crisis unke yahan par hua hai. Pehli baar, 40 saal mein. Which is okay. तो इंटरेस्ट रेट्स क्या हो गए रे, बढ़ गए, उसकी वजह से क्या हो गया, यील्ड भी बढ़ गया, बट शॉर्ट टर्म यील्ड बढ़ गए, लॉन्ग टर्म यील्ड भी बढ़े, लॉन्ग टर्म यील्ड भी बढ़े, ऐसा नहीं कि बढ़े नहीं लॉन्ग टर्म यील्ड्स, बट शॉर्ट टर्म यील्ड से कम. ये ऐसा इसलिए हो रहा है, इट्स नॉट नेसेसरली, इन मेनी केसेस ये जब इन्वर्जन होता है ना ऐसा, इट इज अ इंडिकेशन ऑफ रिसेशन कमिंग फॉरवर्ड. बोलेंगे क्यों, इससे रिसेशन इसलिए आता है, शॉर्ट टर्म के इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा रहते हैं और लॉन्ग टर्म के इंटरेस्ट रेट्स कम है, तुम्हारे इकोनॉमी में लोगों की, पीपल आर नॉट विलिंग टू पार्ट अवे देयर मनी फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड द मोमेंट यू डोंट पार्ट मनी विद फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस को जो कैपिटल रेजिंग होना होता है, एक्सपेंशन करना होता है, वो सारा रुक जाता है. जीडीपी के कंपोनेंट, गो टू इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, वी लर्न जीडीपी में से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज अ कैपिटल गुड्स एक्सपेंडिचर, कैपिटल फॉर्मेशन. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देयर इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर, वो रुक जाता है या स्लो डाउन हो जाता है. सो देयर इज अ चांस ऑफ रिसेशन, मेनी पीपल आर प्रेडिक्टिंग रिसेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 2023. What happened because of this? Time value of money went up. All of this results into what? In government bonds pe hi rate of return upar gaya. Government bond ka rate of return upar gaya. Matlab time value of money ka first formula kya likh ke diya tha? Maine chapter kahan se shuru kiya tha? Risk free rate plus risk premium. Risk free rate went up. Please listen. Risk free rate went up. If the risk free rate goes up, time value of money goes up. Acha, time value of money goes, present value should come. My friend, companies in the United States at New York Stock Exchange pe, jo primarily IT companies listed hai Nasdaq pe, India mein bhi hai, bahut sare companies ke profits actually grow hue hai, but tabhi bhi unki share price grow nahi hui hai, share price kam hui hai. ये शेयर प्राइस बहुत ज्यादा परसेंटेज से कम हुई है. व्हाई? बिकॉज द प्रॉब्लम इज विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एट द बिगिनिंग ऑफ 2022 एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 2022 इज अ ह्यूज डिफरेंस. लेट्स टेक अ डार्लिंग अमेजॉन शेयर प्राइस. Amazon's profitability, yes, it has come down to a level, but it's not. Look at this. This is 2022. 2022, Amazon is down by almost 50%. Is there a problem with the financial statements of Amazon or a business of Amazon? No.
It's not that 2022 profits have been substantially down. It's not substantially down. अभी तक ईयर खत्म नहीं हुआ है, एक क्वार्टर बाकी है, तो ये क्वार्टर खत्म नहीं हुआ अभी तक. बट आई डोंट सी अमेजॉन सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी टू कम डाउन बाय समथिंग लाइक दिस. इट विल रादर बी अप ओनली बाय मार्जिनल परसेंटेज. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? ब्लडी प्राइस इज नॉट जस्ट ड्रिवन. प्राइस इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू. दिस इज वन ऑफ द वेरी कोर प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, नॉट दी ओनली प्रिंसिपल. अब मैं लाइन बोल रहा हूं, ये जो लाइन था ना बच्चों, इतना टाइम पास मैं कर रहा था, क्यों कर रहा था? ये प्रेजेंट वैल्यू जो है ना, इज नथिंग बट हेल्प यू टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ अ शेयर और प्राइस ऑफ डिबेंचर और प्राइस ऑफ लिटरली एनीथिंग. दिस अलाउज यू टू टेक इन योर हैंड अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, डी सी एफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट और टेक्निक, डी सी एफ टेक्निक. As per this technique, price of anything, could be share, could be debenture, could be anything, price of a share or price of any asset is basically present value of future cash flows discounted at expected rate of return. चलो लाइन लिखते हैं बच्चों, चलो बोलो जोर से. Price of share or price of asset is प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, दिस इज अ डीसीएफ, डिस्काउंटेड एट वॉट रेट? डिस्काउंटेड एट, बोलो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. अब मुझे बोलो ये क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है क्या बच्चों? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को मैंने बोला था टाइम वैल्यू ऑफ मनी. फ्यूचर कैश फ्लोज आर बेसिकली प्रॉफिट्स. फ्रैंकली बोलू तो कैश फ्लो और प्रॉफिट में फर्क रहता है, बट अभी समझने के लिए आप अज्यूम करो प्रॉफिट इज इक्वल टू कैश फ्लो. ग्रुप वन अकाउंट्स में जिन जो लोग थे तुम में, मैंने उनको डिफरेंस समझाया था. फ्री कैश फ्लो मैंने तिजोरी पे जाके तुमको कैसे कैसे आइटम बाय आइटम चेंज होता है चार्ट बना के दिखाया था तुमको, चार्ट एक्सप्लेन किया था मैंने. वो चार्ट और आसानी से मैं एक्सप्लेन करूंगा एज वी प्रोग्रेस इन एफएम, एफएम में और अच्छे से समझाऊंगा वंस आई डन विद द कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग के जाऊंगा समझाऊंगा. बट ये समझ लो प्रॉफिट और कैश फ्लो फर्क रहता है. प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड, मैंने आपको मैनिपुलेशन के एग्जाम्पल्स भी दिखाए थे, याद है ना? सो बेसिकली बच्चों शेयर प्राइस इज वॉट, ये है डीसीएफ का लाइन. अब यही तो हो रहा था ना, 12% से 14% जब तुम्हारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गया तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो गया इवन दो द प्रॉफिट्स रिमेंड. एमेजॉन का प्रॉफिटेबिलिटी उतना कम नहीं हुआ है जितना शेयर प्राइस कम हुआ है. इट कुड फॉल लिटिल मोर ऑल्सो और अबाउट 10-20% मोर. व्हाई? If recession comes, there will be fear psychosis, but I will be the one to buy it. I have started buying China about 20-25 days ago. Went up into decent profits. Last 2-3 din se dhulai ho rahi hai. Aur dhulai hogi to main aur buy karunga China ko. Ab bolenge kyun sir? BJP to support nahi karta. China is beaten down like anything. उतना क्यों? चाइना में जो इन्वेस्ट करने का टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, वो रिस्क जो है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहां आता, कहां से टाइम वैल्यू ऑफ मनी? रिस्क से आता है. चाइना में इन्वेस्ट करने का रिस्क बहुत ज्यादा एलिवेट हो गया बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. पहले तो बहुत सारे लोगों को लगा कोविड चाइना से आ रहा है, चाइना से पूरा सप्लाई चेन, मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट के बहुत सारे चीजें चाइना से निकलती थी, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होता था. सो पूरी दुनिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो चाइना पे डिपेंडेंट है. अब कोविड के अंदर दुनिया को समझ गया कि यार एक कंट्री पे ऐसा डिपेंडेंस आ गया तो लग जाती है, सप्लाई चेन पूरा अफेक्ट हो जाता. कितनी सारी चीजें यार, मेरे को घर पे डिश वॉशर नहीं मिल रहा था कोविड के अंदर, यार डिश वॉशर के लिए मेरे को इधर उधर फोन करने पड़ रहे थे, घर पे वो काम वाली भाई नहीं आ रही तो मेरे को धोना पड़ता था. अब करूँ क्या,
डिश वॉशर तो था नहीं पहले, कोई तो आता था मतलब होता था, डिश वॉशर के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता था यार इनकेस यू नो, क्यों नहीं था डिश वॉशर अवेलेबल? 6 महीने का वेटिंग लिस्ट था डिश वॉशर के लिए, कभी वेटिंग लिस्ट सुना है आपने? अरे मेरे दोस्त थे कुछ, बोले सर अभिषेक ये तो छोड़ दे, हमको डायपर नहीं मिल रहे घर पे बच्चों के लिए, थे ऐसे प्रॉब्लम्स लोगों के, ऐसे आई कांट इमेजिन व्हाट वेल कमोडिटीज वेर इन ट्रबल, कुछ चीजें का सप्लाई नहीं है उसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ गया है। दुनिया को तब जाके समझा चाइना प्लस वन, ये फालतू जोक था, देखो कैसे हंसने लग गए, अच्छा कॉल दिया नहीं, कॉन्सेप्ट पे उनको कोई फर्क नहीं होता है, क्या दुनिया हो गई इमेज, देख तेरे जैसे बच्चे कुछ रहे नहीं अभी। सो क्या बोले माइनर है ये, तो हम क्या मतलब सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट लेके आए लेक्चर के पहले और इधर सर्टिफिकेट दिखाए, सुन लो कॉन्सेप्ट क्या था, चाइना प्लस वन चालू हुआ, चाइना और ताइवान के डिस्प्यूट्स चालू हुए, नैंसी पेलोसी वेंट टू चाइना, ये लेडी के बारे में पढ़ना मतलब फॉरगेट अबाउट इट, बट द स्पिरिट विद विच दिस लेडी हैज वर्कड इन द यूएस इज रियली कमेंडेबल, कभी जाके जिंदगी में पढ़ना, लड़कियों के बारे में भी हम बोलते हैं। सो चाइना के प्रॉब्लम्स आ गए, सो उसी वजह से क्या हो गया, दुनिया भर में चाइना के स्टॉक्स को बजाई, प्लस चाइना ने इंटरनल प्रॉब्लम्स है चाइना के, इतनी धुलाई की चाइना के इंडेक्स की, चाइनीज इंडेक्स, चाइनीज की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टेक कंपनीज, इतना धुलाई मतलब अनलिमिटेड धुलाई हुआ, चाइनीज स्टॉक्स वेर अवेलेबल अ मंथ अगो एट जस्ट 9 times of profits, मतलब जो चाइनीज कंपनी का प्रॉफिट कर रहा है, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 9 times, तुम्हारा गुडविल वैल्यूएशन करके चैप्टर था 9 years ऑफ परचेस ऑफ प्रॉफिट, तो तुम चाइना का कोई कंपनी का इंडेक्स, इंडेक्स की बात करते हैं, 1000 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं, तुमको 9000 में वो शेयर मिल रहा था, 9000 रुपया दो तुमको कंपनी का शेयर मिलेगा, अगले 9 साल में पैसा वापस प्रिंसिपल, 9 साल में प्रॉफिट भी ग्रो होता है, 9000 प्रॉफिट 1000 नहीं रहेगा, प्रॉफिट्स विल ग्रो, दैट वाज अ डर्टी चीप वैल्यूएशन, क्यों, क्योंकि रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन चाइना वेंट अप सो मच बिकॉज ऑफ व्हाट, चाइना प्लस वन प्रॉब्लम, कोविड रिलेटेड ट्रबल्स इन चाइना, चाइनाज फाइट विद ताइवान, चाइना इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑन रियल इस्टेट सेक्टर ऑफ चाइना, चाइनाज बैन ऑन टेक्नोलॉजी सेक्टर विद इन द चाइना, चाइनाज बैन ऑन द वेल्दीएस्ट पीपल इन द चाइना इंक्लूडिंग द जैकमा, so China had lot of problems, somehow they realize that they are going too far, if that is where tum news padhte ho you should be in a position to make a sense out of it. Jinping got re-elected about 2 months ago as the China's premier, aur see concepts kitne chote chote aur return kitna milta tumko dikhata hu, Jinping got re-elected मालूम होगा तो, स्लोली स्लोली चाइनाज पॉलिटिकल पार्टी, देयर वर प्रोटेस्ट दैट हैपन इन चाइना, मीडिया में बहुत कम आता है क्योंकि चाइना पूरा कंट्रोल्ड है, बट तभी भी मीडिया में आने लग गया इंटरनेशनल मीडिया में चाइना में प्रोटेस्ट है, विच चाइनीज गवर्नमेंट अंडरस्टूड एंड चाइना स्लोली स्लोली स्टार्टेड रिलैक्सिंग व्हाट कर्व्स, इसका पहला हिंट तुमको कहां पर आता है, हांगकांग के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ चाइनीज कंपनीज आर लिस्टेड इन अ हांगकांग, Hong Kong is kind of control of China, it's there is a mainland China and there is Hong Kong they got from Britishers, that's where geography and other things are quite, given a choice na, if somebody would have taught me these things in a very different manner, boss, money would have minted is huge, ye sari cheeze Hong Kong mein immediately change hone lagi, policies ka relaxation, real estate ke upar ka thoda relaxation kar raha hai China, इसका इफेक्ट हांगकांग के मार्केट्स में आने लग गया, इसका मतलब क्या है, चाइनीज गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया कि भाई अपनी हम अगर अपनी पॉलिसीज पे ऐसे ही अटे रहे तो अपने को मुश्किल जा सकता है, यू जंप इन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्यों, ये चीजें जब गवर्नमेंट रिलैक्सेशन करना चालू करेगा तो क्या होगा, द रिस्क टू इन्वेस्टर्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन चाइना रिड्यूसेस,
If risk reduces, time value of money reduces. Please understand. Risk comes? No. Time value of money comes? No. Share prices jump up. You, price is dependent on these two things. मैंने एडवांस अकाउंट में भी ये एक्सप्लेन किया था. मैं तुमको एक बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज का लेक्चर उसमें भी एक्सप्लेन किया था, फाउंडेशन में भी एक्सप्लेन किया रहेगा. हर बार मैंने अलग अलग उस टाइम के एग्जांपल्स दिए रहेंगे. प्राइस ऑफ अ शेयर इज अ प्रेजेंट वैल्यू. दिस इज अ डीसीएफ अप्रोच. प्राइस ऑफ अ शेयर इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. सो देयर आर टू फैक्टर्स, फ्यूचर कैश फ्लोज, और यू कैन सिंपली से अर्निंग्स, और यू कैन से प्रॉफिट्स. कैश फ्लोज, अर्निंग, प्रॉफिट. बच्चों प्लीज सुनो, यह है तुम्हारा एफवी, राइट? एंड एक्सपेक्टेड रेट, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रेट, एक्सपेक्टेड रेट, ईवीएम रेट. क्या बोला मैंने? टाइम वैल्यू ऑफ मनी रेट. इसको ही बोलते हैं हर्डल रेट. अलग अलग ऐसे वर्ड्स है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग नाम है ना, वैसे इसके अलग अलग नाम है. इसको बोलते हैं आर, और वहां से आता है पीवी. तो बच्चों तुम्हारा मैथमेटिक्स में फॉर्मूला क्या था? पीवी इज इक्वल टू एफ वी इंटू वन अपॉन वन प्लस आर रेस टू एन. क्या हुआ, मैंने स्टोरी कहां से चालू किया था, कहां गया मैं? मैंने क्या बोला, ये आर बढ़ गया, 12 से 14 हो गया आर. तो पीवी क्या होता है? कम होता है. R is your discount rate. अगर discount rate बढ़ता है तो price, present value कम होता है. FV same रखोगे तो भी, क्योंकि ये discounting factor है बच्चों. अरे बच्चों जन्नत है ये क्या है? Negative relationship. और इनका होता है positive relationship. तो अगर future cash flows बढ़ गए तो प्राइस बढ़ेगा, अज्यूमिंग डिस्काउंट रेट रिमेन्स सेम. दिस डजंट हैपन ऑन अ डेली बेसिस. इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ग्रोथ इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टर, वट एवर काइंड ऑफ इन्वेस्टर, ये बेसिक चीज है. डीसीएफ इज अ बेसिक. दिस इज नॉट द ओनली वे, द वे ओनली वे यूजिंग विच यू शुड कैलकुलेट अ प्राइस. डीसीएफ कैन बी मिसलीडिंग ऑल्सो इन सम केस सिचुएशंस. विल रियलाइज दोज. वट आई वॉन्टेड टू टेल यू, time value of money increase results into decrease of present value. The index that I was referring to is run by BlackRock. It is index is managed by MSCI for China, but uske upar MCHI karke ETF hai, which is run by BlackRock, the world's largest ETF for investing in mainland China. This is iShares MCSI China ETF, which is M is for MCSI. उसमें से ये MCHI आता है. MCSI, MSCI करके एक index management का दुनिया का number one company है. उसमें से M आया, China में से CH आया, और ये iShares BlackRock का brand है. BlackRock manages this. This is listed on NASDAQ. This is basically ETF. You put $1,000 into it. That $1,000 will go into China MSCI index के अंदर जितने भी companies हैं उनका एक proportion रहता है. उस proportion में पैसा invest होगा. जब ये हुआ, देखो last one month का return. ये अभी थोड़ा कम हुआ है अभी. कैसे? अभी hit आया उसको थोड़ा. YTD अगर देखूंगा मैं, still it is 25% down. Why it went down 25%? It's not that the profits have come down. It's basically risk of investing in. China went up. Time value of money went up. And that's why the prices came down. If I go a little further, which Google allows me to do, last 5 years also it has given negative returns. But once the bounce back will come, and which will come in my opinion somewhere 2023-24, 2 years is a bet that I am taking up. These are tactical moves. अब बोलेंगे कैसे? There will be recession in the US, or there can be recession in the United States. China will try to gain back lost mojo.
China will try to recover. See, country is not gonna let it down. Country will try to recover. How do you understand this? If I look at the fund flows in last 1 month, this iShares has attracted a huge additional inflows. You need to do an extreme level of analysis by going into some US bear sources. I'll not take you to those sources. Bahut sara paisa, smart money. That money, that's what people call it smart money. Where the smart money is moving. The smart money is moving into the Chinese stocks. Not entire money. But China ka jo allocation tha na global investors ka, wo allocation unhone dheere dheere badhana chalu kar rahe. They're increasing the allocation towards China and India also. Then you'll say, sir, why not India you are investing in? I want my diversification. What if there is a political risk in India? What if government doles out lot of fiscal freebies in India? What if BJP starts going freebies way to counterattack AAP? Fiscal maths in India will be completely distorted. You never know what is the assessment of BJP about Aam Aadmi Party. Because Aam Aadmi Party came to the power in Delhi elections, Punjab they came down to the power, Delhi ka MCD ka election unne jeeta. Gujarat also they got a decent vote share. You never know. What is the, see, my assessment about Aam Aadmi Party is not relevant. What Modi thinks or what Amit Shah thinks about Aam Aadmi Party's tactics is important. If they also start counterattacking by way of a freebies, which is not the BJP's main agenda, my fiscal maths of India as a nation will be horribly dangerous. That risk I carry by investing. So I need to see, when you will understand, that is where brain is. When you carry 5, 10,000, 20,000, 30,000 rupees to invest or a small amount, there is no tension. When you go into huge volumes, you need diversification, you need different themes. You need different themes, you need alag alag concepts. So, tab jaake aapka dimag chalna chahiye. Ye beaten down hai. China is beaten down completely right now. It's available at a rock bottom valuations, China. What I'm trying to put across is time value of money basically tells you, gives you that particular freedom. I want you people to read Aswath Damodaran after you finish up your first year of articleship. Do not try to touch Aswath Damodaran's any of the book right now. You will not understand anything right now. Final first year of articleship you should done, and you should be decently done with the SFM subject in the CA final. SFM subject. Us time pe padhna aapko aur bahut, and you should read these kind of books multiple times. Life ke alag alag phases mein padhoge na, main jaise aapko maine wo Think and Grow Rich ke movie ke time pe aapko bola tha, aap life ke alag alag phases mein dekho usko, pagal ho jaoge. Alag alag phases mein sirf usko observe karna, then you will realize the true perspective of it. Life ke alag alag phases mein tumhare baap se baat karte jao, mummy se baat karte jao, tab tumko samajh mein aayega. So it is basically allowing me to do the valuation of literally any asset, boss. It can be valuation of share, it can be valuation of bond. I can do it for bond. ये मैंने ग्रुप वन में भी सिखाया था, याद होगा तो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ये फाउंडेशन में भी सीखा तुमने, ये फॉर्मूला मैंने कौन नया सीखा, ये फॉर्मूला नहीं किया था फाउंडेशन में. एज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सॉरी, एज द रिस्क गोज अप द वैल्यू विल कम डाउन. रिस्क कम्स डाउन, वैल्यू विल गो अप. कुछ समझा? अब रिस्क कांस्टेंट नहीं रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी कांस्टेंट नहीं रहता है. यू हैव टू बी ऑन योर टोज. और आपको अगर ये कुछ भी नहीं समझता, और इन्वेस्ट पैसा आता है, आपको इन्वेस्ट करना है, सिंपल इंडेक्स फंड्स रहते हैं. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ दिस, जस्ट गिव योर मनी टू अ फंड प्रोफेशनल फंड मैनेजर हु इन्वेस्ट इन द इंडेक्स. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू लर्न इट. आई एम नॉट सेइंग डोंट लर्न, बट एटलीस्ट आपको ये जब चीजें सीखोगे ना, आपको एटलीस्ट बिजनेस का एनालिसिस या बिजनेस के वैल्यूएशन वगैरह करना, वैल्यूएशन एक बार समझ में आएगा ना. वैल्यूएशन समझने के लिए आपको बिजनेस में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा. यू विल स्टार्ट वैल्यूइंग द बिजनेसेस ओवर द ईयर्स.
कोई नया बिजनेस एंटिटी आ गया, उसका एनालिसिस करो, उसका एनालिसिस करके उसका फेयर वैल्यू क्या है वो निकालो. जोक नहीं है, जोक नहीं. यू कैन गो रॉन्ग. आई नेवर सेड दैट. लाइक आई इन्वेस्ट इन बायजूस. लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट यू कांट इन्वेस्ट इन बायजूस. बायजूस इज अनलिस्टेड. आई इन्वेस्टेड इन बायजूस. ऋषभ सर हैज ऑल्सो इन्वेस्टेड. इनिशियली वी वेंट क्रेजी. नाउ आई थिंक इट कुड बी इन ट्रबल. बट वी एनालाइज एंटायर बिजनेस ऑफ बायजूस इन एंड आउट इन डेप्थ कंप्लीटली. और एनालिसिस किया, पैसा लगाया. अब उसके बाद कंपनी ने कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन किए, ऐसी चीजें की जो मैं एक्सपेक्टेड ही नहीं थी. बैलेंस शीट नहीं बनाया यार, ऑडिट नहीं करवा के लिए. अब ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी कंपनी अगर हो गई, तुम्हारा इतना बड़ा रिसोर्सेज हो गया, तुम इन चीजों में गड़बड़ करोगे. ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था. क्या करोगे? दिस रिस्क यू कैरी. There is like you cannot eliminate this kind of risk whereby the person on whom you are betting does something fishy or unexpected. You never laga bhi nahi tha sapne mein ki Ravindran aisa karega. Obviously, he is responsible for it. Abhi andar kya ho gaya, kya ho gaya? I am not interested. You are the head of the company. You are responsible for it. Nobody thought Bankman-Fried will do like this. People were touting out. Oh, 1 year ago, he was called as a Warren Buffett of next Warren Buffett. Warren, nahi, Warren Buffett. And not of Hathaway Cables. So, nobody thought he was a poster boy of new startups. The fellow is in jail right now. Day before yesterday, I think, 2-3 din pehle usko arrest kiya hai. कैरेक्टर समझना लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब क्या, अब कुछ नहीं कर सकते ना तुम. यू कैन गो रॉन्ग. नॉट आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल ऑलवेज बी राइट, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके मिस्टेक्स का रेट कम कम होते जाएगा. वैल्यूएशन इतना बेसिक है. सो टू सम अप, हमने दो फैक्टर्स लर्न किए, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग. व्हाट कंपाउंडिंग फैक्टर टेल्स यू? कंपाउंडिंग फैक्टर बेसिकली टेल्स यू मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, मनी ग्रोज विद टाइम. You, as the time progresses, compounding factor increases. Samjha? What line I told you? Money doesn't grow on? Money grows with? So be patient and let your money grow. Your money, do not expect exorbitantly high rates of return. Anyone who promises you to exorbitantly, like I'll give you 50-60% rate of return, 30-40% return per annum basis, is going to defraud you. He's going to defraud you. Like I earn some good return on my portfolio, but that is not on entire portfolio. That is on some trading wala portfolio, derivatives wala portfolio I earn. But long term investments, I don't earn 30-40-50% per annum. Why? Not possible. Your economy is growing at 8% per annum real rate without inflation. Inflation is 5%. 12-13% your nominal rate of GDP is there. Country is growing at 12% and you say I want to grow at 35%. That too by investing. Your business can grow at 35%. I can understand. But when you put in someone else's business where you are not a core investor, and you are saying that you are growing at 35-40%, that too in a matured business, those are all fake. In a startup you put up the money, you can grow. You can grow. Like, because startup mein aapne बहुत अर्ली स्टेज पे आपने, और वो आपने कोर बिजनेस में पैसा लगाया, आपने कोर बिजनेस में पैसा लगाया, तो वहां पर आप मैसिव ग्रोथ कर सकते हो क्योंकि आपने अर्ली बहुत अर्ली स्टेज पे आपने पैसा लगाया है. मैंने आपको दिखाया था रेड विंग्स के अंदर एक ड्रोन कंपनी है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम valuations are going to be driven by rational factors, which are the two factors that I talked about, profitability and a discount rate. These are the two core essential. Baki sab kuch bakwas hota hai. And people do not understand these two factors and people put up the money blindly. Sir, what is the reason behind Adani growth? This is typical people, Adani, Yes Bank and all of this. Adani's valuations are insane. They are not fundamentally driven. There is absolutely no logic in the reason why Adani company should have this value.
there is technically demand supply factors which are working. Free float market capitalization of Adani companies is much lower. There is something called the number of shares available to the public. Aayega aapke syllabus mein aage jaake. That is kept lower by Adani, and that is why artificially supply is reduced and the demand is created. It is not Adani buying his own shares, or Adani doesn't buy, you are not allowed to buy your own shares. So that is basic. Adani has basically adopted a strategy whereby he has kept lesser number of shares, not for all companies, few of the companies, with the public. And that's why demand is more, but the supply is lesser, and that's why the prices are rising. But it's a entering into Adani shares right now is not a right time. Entry in Adani could have been taken few years ago. The prices have gone up, but there will be rationality that will come into Adani at some point of time. I cannot predict that point of time. It is beyond my human capability. It will come down. When it will come down, I can't predict it. But it will come down for sure, or it will not grow year in after. It will be stagnant. And then when actually the profits of the Adani grow massively, then it valuations will become reasonable. You will learn. Over a period of time, we'll talk about a lot of ratios about valuation. But this sabka core jo hai na, wo time value of money ke andar hai. Sab kuch core time value of money ke andar hai. Ye jo principle hai na, bahut deadly hai. Mathematically, isko express nahi kar sakta hu main. You need to understand the cash flows have positive relationship and discount rate has what? Inverse relationship. Are you clear with these two formulas? Actually, it is a one formula. Compounding and discounting. This was single cash flow. Tomorrow we'll learn series of cash flows. Aur pagal bana dunga. And then I'll require one lecture to sum it up. And then yehi concepts ke application some leverage mein karenge, capital budgeting mein karenge, cost of capital mein karenge, then working capital mein kuch jagah pe application aayega. मैं आपको मालूम नहीं, ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है, तभी भी मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि आगे जाके इसका अलग अलग इतने जगह पे एप्लीकेशन से यू डू नॉट नो. तो पे अटेंशन टू इट. जो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, अभी होमवर्क नहीं आ रहा है या बाकी, क्योंकि एक बार वंस आई गो टूवर्ड्स अ प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली होमवर्क विल स्टार्ट कमिंग अप. ग्रुप वन का पढ़ाई करना. एग्जाम जिन्होंने ग्रुप वन का दिया है और लगता है फेल होंगे, वापस पढ़ाई चालू करो. कुछ बुरा नहीं होता है अगर पढ़ाई चालू किया और पास हो गया तो. कुछ भी रोना था, इट्स ओके. रोने धोने का टाइम हो गया है. पढ़ाई चालू, मतलब ग्रुप वन देखे, अभी चलाओ, मैं फेल होने वाला हूं. स्टार्ट स्टडीज, राइट. सी यू टुमारो. बाय बाय.